हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोटेक्शन डीप्रोटेक्शन के बारे में। लगा दीजिए हेडिंग, प्रोटेक्शन डीप्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन डीप्रोटेक्शन, ठीक है। तो आज हम देखने वाले एल्डिहाइड, अमाइन, अल्कोहल, फिनोल और एसिड के बारे में। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं हम कार्बोनिल के साथ, ठीक है। लगा दीजिए पहला हेडिंग कार्बोनिल। कार्बोनिल में दो आते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं हम एल्डिहाइड के बारे में। R C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। पहली बात तो ये, इसे प्रोटेक्शन क्यों दिया जाता है भाई? तो देखिए, ये जो हमारा कार्बन है, क्या होगा, इस पर कोई भी हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक कर सकता है, ठीक है। हमें इस कार्बन को न्यूक्लियोफाइल से बचाना है। किससे बचाना है? न्यूक्लियोफाइल से। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसका प्रोटेक्शन होगा अल्कोहल के साथ। 2 मोल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया। यहाँ पे एसिडिक मीडिया में पेराटोल्यून सल्फोनिक एसिड भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इससे बनेगा क्या, इसमें से बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे H। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था ना, बन जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे OR, यहाँ पे भी OR, इसे हम कहते हैं एसिटाल। क्या बोलते हैं हम उसे, एसिटाल बोलते हैं। तो देखो ये पहला स्टेप कौन सा है, प्रोटेक्शन का। लेकिन हमें क्या चाहिए, आफ्टर रिएक्शन हमें वापस कार्बोनिल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने पहले प्रोटेक्शन किया है ना, उसका क्या करेंगे, डी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो डी प्रोटेक्शन किससे होगा, तो वो भी याद रखेगा, H3O प्लस यानी कि हाइड्रोलिसिस से, या फिर एक्वियस H2SO4, या फिर H प्लस H2O। तो क्या होगा, वापस से एल्डिहाइड बन जाएगा हमारा H, यहाँ पे बन गया हमारा एल्डिहाइड। जो ये वाला स्टेप है वो कौन सा है, डी प्रोटेक्शन। पहले हमने प्रोटेक्शन किया, बाद में हमें वापस कार्बोनिल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वापस से डी प्रोटेक्शन कर देंगे, ठीक है। ये बात की हमने एल्डिहाइड के बारे में। वैसे ही सिमिलर किसके लिए भी होता है, कीटोन के लिए भी होता है। देखो यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे 2 मोल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ पेराटोल्यून सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो जो पहला स्टेप हमारा है वो प्रोटेक्शन का, तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा। जहाँ पे कार्बोनिल है वहाँ पे OR ग्रुप, और यहाँ पे भी OR ग्रुप। देखो इसका नाम एसिटाल क्यों है भाई, ये एल्डिहाइड में से जनरेट हुआ है, इसीलिए हम इसे कहेंगे एसिटाल। ये किस में से जनरेट हुआ है, कीटोन में से, ठीक है। तो इसका नाम है कीटाल। अगर एल्डिहाइड में से बनेगा तो एसिटाल, कीटोन में से बनेगा तो कीटाल, ठीक है। चलो वापस हम क्या करेंगे, आफ्टर रिएक्शन हमें वापस कार्बोनिल चाहिए, तो क्या करेंगे, जो पहले हमने इसका क्या किया था, प्रोटेक्शन, बाद में हम फिर से कर देंगे डी प्रोटेक्शन। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा हमारा कीटोन वापस, ठीक है। लेकिन किससे डी प्रोटेक्शन होगा, जो यहाँ पे लिखा ही है H3O प्लस, या फिर इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं आपको एक्वियस H2SO4 और H प्लस H2O, ठीक है। तो ये देख लिए हमने प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन की रिएक्शन। चलो अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो ये दोनों स्टेप थे, प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म। पहले हम देखेंगे प्रोटेक्शन की मैकेनिज्म। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, चलो तो पहले हम देखते हैं कोई भी एक की, ठीक है। तो चलो कार्बोनिल के देख लेते हैं, यानी कि कीटोन की। देखो यहाँ पे ये रहा हमारा कीटोन, क्या डालते हैं हम अल्कोहल, उसके साथ क्या डालते हैं, पेराटोल्यून सल्फोनिक एसिड डाल दिया, यानी कि H प्लस होगा, यानी कि एसिडिक मीडिया है। हमें पता है पहले क्या होगा, जो ये हमारा कार्बोनिल है उसका ऑक्सीजन, उस पर क्या हो जाएगा, पहले तो प्रोटोनेशन, तो बनेगा कुछ इस तरीके से,
ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोटोनेशन। तो देखो अब क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या करेगा वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, खींच लिया। तो देखो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड खींच गया तो यहाँ पे आ गया अब पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास रिएक्शन में क्या है, हमारे पास अल्कोहल है। तो अल्कोहल क्या करेगा यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होती है, लोन पे होती है। तो देखो इसका अटैक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे आर, अब दोनों आर में एक साइड लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बन गया है ओ एच, यहाँ पे ऑक्सीजन आर और एच, देखो यहाँ पे लोन पे डोनर कर दी, इसलिए यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हमें पता है पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहता, तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन है जो एच बॉन्ड होगा उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ से रिमूव होता है एच प्लस, तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे जो ओ एच है वहाँ पे फिर से प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे आर ग्रुप, यहाँ पे आर ग्रुप, अब यहाँ पे बन जाएगा एच टू ओ पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था उस पर प्रोटोनेशन हो गया है, और यहाँ पे बन गया हमारा ओ आर ग्रुप, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आए तो क्या करेगा, जो ये बॉन्ड है उसका बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसे खींच लेगा, ठीक है, तो इस तरफ आएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है भाई, खींच रहा है यानी कि पुश। लेकिन याद रखिए यहाँ पे बगल में क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इस स्टेप को पास हो जाएगा। किस तरीके से, देखो यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ पे आएगी और एच टू को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, देखो फिर से पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या करेगा, वो फिर से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास रिएक्शन मास में पहले से हमने दो अल्कोहल यूज किए थे, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक एक ही मोल यूज हुआ है, तो क्या होगा, फिर से यहाँ पे जो हमारा अल्कोहल होगा उसमें जो ऑक्सीजन है उसकी लोन पे यहाँ पे अटैक कर देंगे, तो बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो आर, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे आर, ठीक है, ये बन गया हमारा ओ आर, और ये बन गया हमारा ओ आर एच, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने लोन पे लोन कर दिए, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रह सकता, तो क्या होगा, यहाँ पे जो एच है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ऑक्सीजन, तो रिमूव होगा माइनस एच प्लस, और ये बन गया हमारा कीटाल। देखो यहाँ पे भी ओ आर, यहाँ पर भी ओ आर, ये आर, ये बन गया हमारा कीटाल। तो ये थी मैकेनिज्म प्रोटेक्शन की, अब हम देखने वाले हैं डी प्रोटेक्शन की मैकेनिज्म, ठीक है। डी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, अब देखो स्टार्टिंग में हम क्या लगे, यहाँ पे कीटाणु, देखो यहाँ पे आर आर, भाई डी प्रोटेक्शन किससे होता है, H3O प्लस यानी कि हाइड्रोलाइसिस से होता है ना, उसमें पहले क्या डालते हम, एसिडिक मीडिया H प्लस, तो क्या होगा, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर, तो क्या होगा, कोई भी एक ऑक्सीजन पे पहले तो H प्लस चला जाएगा, ठीक है। तो बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे R, यहाँ पे बन गया ओ आर एच, मान लो कि यहाँ पे H चला गया है, ठीक है, यहाँ पे आ गया ओ आर, तो देखो ये हमारा लिविंग ग्रुप बन गया अल्कोहल। तो क्या होगा, देखो इस ऑक्सीजन के पास लोन पे है तो ये वाली लोन पे यहाँ पे आएगी और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से रिमूव हो जाएगा, रिमूव हुआ यहाँ पे आर ओ एच, ठीक है, बने कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, और यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड ओ आर, देखो यहाँ पे लोन पे डोंड के, इसलिए यहाँ पे कौन सा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हमें पता है क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहता, ये बोन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच लेगा, हाइड्रोलिसिस यानी कि H प्लस और H2O, अभी भी हमारे पास H2O होगा, तो क्या करेगा, यहाँ पे जो वाटर है वो यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है, देखो यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरीके से, ये बन गया हमारा OR, यहाँ पे ऑक्सीजन HH, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो फिर से ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा वो, कोई भी एक हाइड्रोजन है
उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो फिर से यहाँ आपसे रिमूव हो रहा है एच प्लस, कहाँ चला जाएगा यहाँ पे ओ आर पे, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे ओ आर एच, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ओ एच आर आर, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये अल्कोहल है, फिर से लिविंग ग्रुप बन गया, तो क्या है हमारे पास जो यहाँ पे है ओ एच है, यहाँ पे उसकी लोन पे यहाँ पे आएगी और इसको यहाँ से लीव कर देगा, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हमें पता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रह सकता, तो क्या करेगा ये जो हाइड्रोजन है कुछ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो बन गया कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे रिमूव हुआ माइनस एच प्लस, यहाँ पे कौन रिमूव हो रहा है अल्कोहल, तो ये रहा अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे आर आर, और ये बन गया हमारा वापस से कीटोन, ठीक है। तो ये थी हमारी मैकेनिज्म प्रोटेक्शन और डीप्रोटेक्शन की, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो इन शॉर्ट आपको करना क्या है, देखो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिमम दो अल्कोहल चाहिए, ठीक है। तो देखो करना क्या है, यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ कोई भी एल्डिहाइड, अगर आपको यहाँ पे दिया है 2 moles ऑफ अल्कोहल, इसमें रिमूव होता है H2O, लेकिन कहाँ से रिमूव होगा, किस तरीके से, तो देखो यहाँ से ये जो हमारा कार्बोनाइल है उसका ऑक्सीजन और ये दो अल्कोहल है उसका, यहाँ दोनों का H रिमूव होगा इस तरीके से, ओवरऑल H2O रिमूव होगा और बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे भी OR और यहाँ पर भी OR, ठीक है। इसी तरीके से सेम कीटोन में भी होगा, देखो यहाँ पे कार्बोनाइल R R, इसमें भी 2 mole, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, जो अल्कोहल होता है उसका एच रिमूव होगा और ये कार्बोनाइल उसका ऑक्सीजन एसिडिक मीडियम है, ठीक है। तो जो रिमूव होगा ओवरऑल H2O, तो बनेगा उसमें से कीटाल, यहाँ पे R, यहाँ पे R, OR, OR, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कीटाल। देखो यहाँ पे ये हमने क्या लिया है 2 moles ऑफ ROH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब ऐसा अल्कोहल दिया होगा सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट, लेकिन उसमें होगा क्या, एक ही मोलिक्यूल में दो OH फंक्शनल ग्रुप हो गए। देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं सपोज एल्डिहाइड ले लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, ठीक है। तो इसमें 2 mole लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एक ही सब्सट्रेट में आपके पास दो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। इसलिए तो क्या होगा, जो अल्कोहल है उसका H निकलेगा और ये कार्बोनाइल है उसका ऑक्सीजन, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे R, यहाँ पे H, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और बनेगी कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिंग, ठीक है। वापस इसको डी प्रोटेक्शन करना है तो क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा, वापस से हमें मिल जाएगा हमारा एल्डिहाइड, ठीक है ना। इसी तरीके से सिमिलरली हम कीटोन के बारे में भी बात करते हैं, देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी आर ग्रुप, यहाँ पे भी आर ग्रुप, ठीक है। देखो इसमें भी क्या होगा, यहाँ से दो हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगा एसिडिक कंडीशन में, बनेगा कुछ इस तरीके से। अगर आपको 1,3-diol दिया है तो 6-member रिंग जनरेट होगी। अगर मान लो कुछ इस तरीके से आपको दिया है, यहाँ पे R, वन टू डायल दिया है, तो याद रखिएगा 5-member रिंग फॉर्मेशन होगी। देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ए वाला कार्बन है वो 5, ठीक है। अगर आपको 1,2-diol दिया है कीटोन के साथ तो 5-member रिंग जनरेट होगी, अगर आपको कीटोन के साथ 1,3-diol दिया है तो 6-member रिंग जनरेट होगी, ठीक है। एसिडिक कंडीशन में क्या होगा,
माइनस एच टू ओ, यहाँ पे जनरेट होगी फाइमरिंग ए आर और ए आर, ठीक है। अगर इसको डी प्रोटेक्शन करना है तो क्या करेंगे हम, हाइड्रोलिसिस यानी कि एच थ्री ओ प्लस, तो वापस से मिल जाएगा हमें कीटोन, इसका भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें से भी हमें मिलेगा कीटोन, ठीक है। तो ये बात की हमने मैकेनिज्म के बारे में, प्रोटेक्शन की मैकेनिज्म किस तरीके से होती है, डी प्रोटेक्शन की मैकेनिज्म किस तरीके होती है, ठीक है। अगर मोनो हाइड्रोक्सी ग्रुप दिया है तो आपको चाहिए मिनिमम दो अल्कोहल, लेकिन कुछ सब्सट्रेट ऐसा दे दिया है आपको कार्बोनाइल के सामने क्या कि एक में ही दो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो आपको सिर्फ एक इक्विवेलेंट की ज़रूरत है, दो इक्विवेलेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन, लेकिन उसका यूज़ क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, तो चलो वो देखते हैं हम। तो चलो पहले तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, रिएक्टिविटी, एल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर हमें पता है, उसमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड, इसके बाद कीटोन और इसके बाद आता है एस्टर, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर इन तीनों हमारे पास है और कोई भी हमने न्यूक्लियोफाइल डाल दिया है वो भी वन इक्विवेलेंट, तो याद रखेगा जो मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल होगा उस पर पहले अटैक करेगा, यानी कि हमारा जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है उस पर अटैक करेगा। इसके बाद मान लो एल्डिहाइड नहीं है, हमारे सबस्ट्रेट में कीटोन एंड एस्टर दोनों प्रेजेंट है, तो वो अटैक करेगा कीटोन पे, ठीक है। अगर एल्डिहाइड और कीटोन नहीं है तो फिर बाद में अटैक करेगा एस्टर पे, इतना समझ आ गया, ठीक है। तो अब चलो अब इसके बारे में हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये रहा पहला क्वेश्चन, देखो हमारे पास यहाँ पे ये जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें दिया कुछ इस तरीके से, आपको स्टार्टिंग मटेरियल में आप देख सकते हैं यहाँ पे कीटोन भी दिया है और यहाँ पे एल्डिहाइड भी दिया है, ठीक है। मुझे सिर्फ कार्बोनाइल यानी कि हमें मुझे सिर्फ कीटोन का ही रिडक्शन करना है, एल्डिहाइड का नहीं, यानी कि मुझे प्रोडक्ट में एल्डिहाइड मेंटेन चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको बताए थोड़ी देर पहले ही देखा एल्डिहाइड एंड कीटोन इन दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन है, एल्डिहाइड है, ठीक है। अगर मैं रिडक्शन करना चाहूँ तो पहले एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे प्रोडक्ट में एल्डिहाइड मेंटेन चाहिए, मुझे सिर्फ रिडक्शन करना है कार्बोनाइल का, तो किस तरीके से होगा, देखो यहाँ पे मोर रिएक्टिव कौन है, एल्डिहाइड है ना, तो चलो हम उसे पहले प्रोटेक्ट कर देते। तो देखो यहाँ पे पहला स्टेप कौन सा है, प्रोटेक्शन का है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बन गया कुछ इस तरीके से, एक बात और याद रखेगा जो मोर रिएक्टिव होगा उसका पहले प्रोटेक्शन होगा, जो मोर रिएक्टिव हो वो जल्दी रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है CH2CH2OH यानी कि CH2OH वो कितनी बार है, दो बार, तो देखो यहाँ पे CH2OH, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1,2 डायोल लिया है, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो क्या होगा यहाँ पे पैरा टोइन सल्फोनिक एसिड यानी कि एसिडिक मीडिया में क्या होगा, यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया बनेगा कुछ इस तरीके से, यानी कि हमने जो ये हमारा एल्डिहाइड था उसे प्रोटेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे H और यहाँ पे जनरेट हो जाएगी फाइबरिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है 1,2 डायोल, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा स्टेप दिया है भाई रिडक्शन का, हमें पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एसिटाइल लिंकेज ब्रेक नहीं करती, ठीक है। तो क्या करेगा, सिर्फ जो हमारे पास कार्बोनाइल है उसका ही रिडक्शन करेगा, तो वो अब कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, ठीक है। चलो रिडक्शन करने के बाद हमें प्रोडक्ट ऐसी मिली, लेकिन हमें प्रोडक्ट में वापस एल्डिहाइड चाहिए, तो क्या हुआ, पहले हमने उसका प्रोटेक्शन कर दिया, अब मुझे क्या ये जो ग्रुप है वो नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे हम उसका डी प्रोटेक्शन कर देंगे, ठीक है। किससे होगा, हाइड्रोलिसिस से, सिंपल। तो देखो यहाँ पे आ गया OH और ये बन गया हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये है इसकी एप्लीकेशन।
देखो यहाँ पे अगर हमने इसका प्रोटेक्शन नहीं किया होगा और डायरेक्ट हम उसका रिडक्शन करते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास है एल्डिहाइड एंड कीटोन, यहाँ पे क्या है एल्डिहाइड एंड कीटोन, हमें पता है एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो पहले कौन रिडक्शन होगा, एल्डिहाइड का रिएक्शन होगा। अगर हम प्रोटेक्शन नहीं करते हैं डायरेक्ट रिडक्शन करते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे याद रखिएगा मैं वन इक्विवेलेंट की बात करता हूँ, अगर आप एक्सेस डालेंगे तो एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैं रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ इसलिए सिर्फ वन इक्विवेलेंट लेता हूँ, ठीक है। अगर एक ही इक्विवेलेंट दिया है तो इन दोनों में से किसका पहले रिडक्शन होगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो हमें पता है जो मोर रिएक्टिव होगा उसका रिडक्शन होगा, हमें पता है एल्डिहाइड है वो मोर रिएक्टिव है, तो बनेगा कुछ इस तरीके से, कार्बोनाइल एटिटीज मेंटेन रहेगा और जो यहाँ पे एल्डिहाइड है उसका अल्कोहल में कन्वर्जन होगा, ठीक है। लेकिन मुझे तो प्रोडक्ट ऐसी चाहिए थी, अरे समझ में आ रहा है कुछ, इसीलिए ये प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन बहुत ही आई एम पी है, ठीक है। चलो अब इस तरीके से दूसरा इक्वेशन देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, ये है हमारे पास कीटोन और ये है हमारे पास एस्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट आर एम जी एक्स यानी कि ग्रेनाइट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें पता है जो मोर रिएक्टिव होगा उसके साथ पहले रिएक्शन करेगा, तो हमें पता है जो हमारा जो कीटोन है वो मोर रिएक्टिव है तो क्या करेगा, यहाँ पे जो आर माइनस है वो यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ओ एच, ये आर, यहाँ पे आर, इसको मैं आर डैश कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रह गया हमारा आर डैश, ठीक है। तो एस्टर यहाँ पे एटिटीज मेंटेन रहेगा, ठीक है। चलो अब दूसरे तरीके से देखते हैं, लेकिन मुझे प्रोडक्ट इस तरीके से नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे रिएक्शन करवानी है इस ग्रुप से के साथ, ठीक है, इस ग्रुप के साथ करवानी है, लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है कीटोन, तो वो तो रिएक्शन नहीं करने देगा, तो हम क्या करेंगे उसको हम प्रोटेक्ट कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हमारा कार्बोनाइल OH, यहाँ पे OH, ठीक है, ये रहा हमारा एस्टर। देखो इस तरीके से यहाँ से प्रोटेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे जनरेट होगी 5-MeV रिंग, ठीक है। देखो और ये बन गया हमारा एस्टर। अब आप विघ्ना डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास R वो नेगेटिव होगा और यहाँ पे जो एम जी एक्स प्लस, याद रखेगा कोई भी कार्बन जब मेटल के साथ जुड़ा होगा वो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज ही होगा, ठीक है। तो क्या होगा आप देखो यहाँ पे R नेगेटिव का यहाँ पे अटैक होगा, इसका बैकग्राउंड होगा और यहाँ से ओ आर को रिमूव कर देगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफाई करके दिया है कितने मोल यूज करने हमें गिग्नार के, एक ही मोल, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी प्रोडक्ट मिलेगी हमें, देखो यहाँ पे R, यहाँ पे 5-MeV रिंग होगी, ठीक है, और ये बन गया हमारा कार्बोनाइल और ये है हमारा R, ठीक है। और लास्ट स्टेप कौन सा दिया है, हाइड्रोलिसिस यानी कि वापस से डी प्रोटेक्शन, ठीक है। ये जो हमारा लास्ट स्टेप है वो डी प्रोटेक्शन था, तो वापस यहाँ पे हमें मिल जाएगा कीटोन और यहाँ पे भी कीटोन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर हम प्रोटेक्शन नहीं करते हैं तो डायरेक्ट रिएक्ट करेगा हमारे जो यहाँ पे कीटोन है उसके साथ, ठीक है। लेकिन हमें रिएक्शन करवानी है यहाँ पे एस्टर के साथ, यानी कि जो हमारा यहाँ पे लेस रिएक्टिव है तो उसे हम कर देंगे मोर रिएक्टिव, किस तरीके से भाई, प्रोटेक्शन करके, ठीक है। इतना समझ में आया, तो चलो अब आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से, देखो फिर से यहाँ पे है कीटोन और यहाँ पे है एस्टर ग्रुप, तो हमें पता है पहले क्या करेंगे हम प्रोटेक्शन। देखो ये जो वाला स्टेप है वो कौन सा है भाई, टेबेज रिएजन, ठीक है। अगर हम इसमें डायरेक्ट टेबेज रिएजन लगाते हैं
तुम्हें पता है जो मोर रिएक्टिव होगा वहाँ पे पहले रिएक्शन हो जाएगी। अगर इसमें हम डायरेक्ट टेबेज रिएक्शन डालते हैं तो इसकी प्रोडक्ट होगी कुछ इस तरीके से। इन दोनों में से मोर रिएक्टिव है कार्बोनाइल, तो यहाँ पे CH2 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट होगी कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कार्बोनाइल और यहाँ पे OH। लेकिन मुझे रिएक्शन करवानी है यहाँ पे, तो कार्बोनाइल मुझे एक्टिविटी मेंटेन चाहिए, वहाँ पे टेबेज रिएक्शन है वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, पहले हम कर देंगे उसका प्रोटेक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे pH, यहाँ पे कार्बोनाइल, ये रहा हमारा एस्टर, देखो यहाँ पे। तो पहले एसिडिक मीडियम क्या होगा, यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, H+ यानी कि एसिडिक कंडीशन में। तो यहाँ पे ये हो गया कीटोन का प्रोटेक्शन, ठीक है, सी डबल बॉन्ड OH। अब क्या होगा, अब हमें दिया है टेबेज रिएजेंट, ठीक है। तो टेबेज रिएजेंट से हमें पता है क्या लगता है, जहाँ पे कार्बोनाइल होता है वहाँ पे CH2 आ जाता है, ठीक है। तो देखो बनेगा कुछ इस तरीके से pH, डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे है OH, ठीक है। इसे हम बोलते हैं विनाइल ईथर। अब क्या दिया भाई, हाइड्रोलिसिस, हमें पता है विनाइल ईथर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और साथ में इसका भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यानी कि वो डी प्रोटेक्शन, यानी कि एक के साथ दोनों का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। इसका डी प्रोटेक्शन होके यहाँ पे बन जाएगा कार्बोनाइल, ठीक है। ये रहा हमारा CH2 और यहाँ पे बन जाएगा OH। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसे हम बोलते हैं इनोल। किस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म में, ठीक है। तो क्या होगा देखो, यहाँ पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आया, जो ये नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पे वो H+ चार्ज जाएगा, ठीक है। बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे pH, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बन गया अब C डबल बॉन्ड O, और ये रहा हमारा यहाँ पे मिथाइल। देखो रिएक्शन अभी यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रही, लास्ट स्टेप कौन सा दिया है यहाँ पे, KOH MUH। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपके, अब ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, तो इस स्टार्टिंग मटेरियल में डाई कीटोन, यानी कि एक और दो कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें आप KOH MUH डालते हैं तो कौन सी कंडीशन है वो, आल्डोल कंडेंसेशन की, ठीक है। आल्डोल कंडेंसेशन में मैंने आपको ट्रिक बताई थी कौन सी, देखो पहले तो हम फाइंड करेंगे कि जो डाई कीटोन है किस पोजिशन पे है, ठीक है। कोई भी कार्बोनाइल है उसको हम 1 नंबर, यहाँ पे 2, 3, 4 मैंने बताया था। अगर 1, 4 कीटोन है तो 1+4=5, 5 मेंबर रिंग जनरेट हो गए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कार्बोनाइल, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, देखो यहाँ पे CH H H, इस CH3 को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, ठीक है। 2 H अलग करके दिखाया है, देखो यहाँ पे है कार्बोनाइल और बीच में एक और दो कार्बन, 1, 2, 3, 4। अब क्या होगा देखो, कोई भी एक कार्बोनाइल है उसकी अल्फा पोजीशन से 2 H निकलेंगे और जो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, वो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और रिमूव क्या होगा, -H2। तो देखो बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे pH और यहाँ पे जनरेट हो गई 5 मेंबरिंग, यहाँ पे कार्बोनाइल। तो ये है आपका आंसर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आपने देख लिया अगर आपके पास 1,2-diol है तो 5 मेंबरिंग जनरेट होगी, अगर आपके पास 1,3-diol है तो 6 मेंबरिंग जनरेट होगी। लेकिन आपके सबस्ट्रेट में 1,2-diol एज वेल एज 1,3-diol दोनों प्रेजेंट है तो क्या करेंगे आप, तो याद रखिएगा, देखो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास ये देखो हमारे पास 1 और 2, यानी कि हमारे पास 1,2-diol है एज वेल एज आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2 और 3 1,3-diol दोनों है तो क्या होगा, देखो एल्डिहाइड डालेंगे आप, PHCH बेंजाल्डिहाइड
विथ एसिडिक मीडिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एसीटोन, उसके साथ एसिडिक मीडिया। तो ये एक बात याद रहेगा, अगर आपके पास एल्डिहाइड दिया है तो पहले उसमें जनरेट होगी सिक्स मेंबरिंग, इतना याद रहेगा। अगर आपके पास एल्डिहाइड है और सबस्ट्रेट में 1,2-diol एज वेल एज 1,3-diol दोनों दिए है तो याद रहेगा आप कौन सा यूज करेंगे, 1,3-diol, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो इसकी प्रयोग होगी कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा पीएच और एच। अगर आपको एल्डिहाइड दिया है तो याद रखना सिक्स मेंबरिंग होनी चाहिए, ठीक है, सिक्स मेंबरिंग जनरेट होती है। अगर आपके पास सबस्ट्रेट में 1,2-diol एंड 1,3-diol दोनों है और आपको कीटोन दिया है तो याद रखेगा फाइव मेंबर रिंग जनरेट होगी, ठीक है। फाइव मेंबर रिंग जनरेट करने के लिए हम यूज करेंगे 1,2-diol का। अगर हमें सिक्स मेंबर रिंग जनरेट करनी है तो हम यूज करेंगे 1,3-diol के बारे में, ठीक है। इतना समझ में आ गया, अगर एल्डिहाइड है तो सिक्स मेंबर रिंग, अगर आपके पास कीटोन है तो फिर आप जनरेट करेंगे फाइव मेंबर रिंग। इतनी बात देखिएगा, अगर एल्डिहाइड दिया है तो उसके लिए 1,3-diol, ठीक है। अगर कीटोन दिया है तो इसके लिए आप यूज करेंगे 1,2-diol को। ये प्रोटेक्शन के बारे में बात की, ठीक है। अब हम देखते हैं विथ स्टीरियो केमिस्ट्री, ये बात की हमने विदाउट स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम विथ स्टीरियो केमिस्ट्री। अब देखो यहाँ पे हमने जो थोड़ी देर पहले लिया था 1,2-diol एज वेल एज 1,3-diol, ठीक है, थोड़ी देर पहले उसमें कोई भी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं थी, अब हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री आ गई है तो किस तरीके से रिएक्शन होगी। देखो यहाँ पे पी एच सी एच ओ एल्डिहाइड, यहाँ पे है एसीटोन H प्लस। तो इतनी बात याद रखना, जब भी एल्डिहाइड आएगा तो हम यूज करेंगे 1,3-diol का, कीटोन आएगा तो फिर 1,2-diol, ठीक है। पहले इसको भी पूछ देंगे, अगर मान लो एसीटोन है और आपके सब्सट्रेट में डायरेक्ट 1,3-diol दिया गया है तो आप क्या करेंगे, 1,3-diol से प्रोटेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर 1,2 नहीं है तो फिर आप प्रोटेक्ट करेंगे 1,3-diol के साथ, याद रखेगा। अगर दोनों प्रेजेंट है 1,2 एज वेल एज 1,3 तो याद रखेगा 1,2 पहले, बाद में 1,3-diol, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे तो सिक्स मेंबर रिंग जनरेट होगी, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक कायरल स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है, देखो यहाँ पे पी एच और एच। तो याद रहेगा जो भी स्टीरियो केमिस्ट्री इस ऑक्सीजन की होगी, क्या बोला हूँ, जो भी स्टीरियो केमिस्ट्री इस ऑक्सीजन की होगी वही स्टीरियो केमिस्ट्री फिनाइल ग्रुप की भी होगी। क्या, जो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑक्सीजन की होगी वही स्टीरियो केमिस्ट्री फिनाइल की। आप देखते हैं यहाँ पे इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री वेज है तो पीएच की भी वेज आएगी, क्या आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रहेगा, अगर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री वेज है तो फिनाइल की भी वेज आएगी, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री डेस है तो फिनाइल के भी डेस आएंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे एसीटोन है इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे 1,2-diol, यहाँ पे कोई भी कायरल सेंटर जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी मिथाइल और यहाँ पे भी मिथाइल, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे OH, ठीक है, इसमें कोई भी स्टीरियो केमिस्ट्री की दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे वेज में है तो फिर ये जो पीएच है वो वेज में आएगा, अगर यहाँ पे डेस में है तो जो यहाँ पे पीएच है वो कहाँ पे आएगा, डेस में, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो चलो देख लेते हैं, ठीक है इतना। अब देखो यहाँ पे 1,2-diol, अब हम बात करें स्टीरियो केमिस्ट्री की, जो 1,2-diol दो टाइप के होते हैं, सीस एज वेल एज ट्रांस, ठीक है, सीस डायोल
एंड ट्रांसफर। अब देखेंगे फिर से एक एक्सियल होगा, एक इक्विटोरियल, ठीक है। सीस में तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा होगा एक्सियल एंड इक्विटोरियल ओनली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक इक्विटोरियल में होगा और एक एक्सियल में होगा, ठीक है। यहाँ पे OH, यहाँ पर भी OH, लेकिन जो ट्रांस है हमारे पास उसमें फिर से दो वन टू ट्रांस, यानी कि इक्विटोरियल इक्विटोरियल और एक्सियल एक्सियल, ठीक है। तो याद रहेगा वन टू ट्राइल इक्विटोरियल, यानी कि इस साइड भी OH आएगा और यहाँ पे भी इक्विटोरियल में OH, एक्सियल एक्सियल, यानी कि यहाँ पे ऑक्सियल में OH, यहाँ पे ऑक्सियल में OH। तो याद रहेगा अगर आपको सबस्ट्रेट में सिस डायोल दिया है, ट्रांस डायोल दिया है, दोनों प्रेजेंट है, तो याद रहेगा उसकी रिएक्टिविटी, तो याद रहेगा पहले कहाँ पे होगी एक्सियल इक्विटोरियल, बाद में यूज करेंगे आप इक्विटोरियल इक्विटोरियल और बाद में यूज करेंगे आप एक्सियल एक्सियल एक्सियल, लेकिन यहाँ पे तो प्रोटेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। अगर आपको सिक्स मेंबर रिंग, सेचुरेटेड सिक्स मेंबर रिंग में सिस डायोल दिया है एंड ट्रांस डायोल दोनों प्रेजेंट है, तो पहले आप प्रोटेक्ट करेंगे सिस डायोल से, ठीक है। सिस डायोल यानी कि दोनों सेम साइड से हो, सेम साइड में हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, इसलिए इजीली प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखते हैं हम, चलो तो रहा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये सिक्स मेंबर रिंग है जनरली। देखो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे OH, सॉरी यहाँ पे इक्विटोरियल में OH, यानी कि जो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कहाँ पे है भाई, इक्विटोरियल पोजीशन में है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे PHCHO यानी कि एल्डिहाइड, और एक साइड यहाँ पे यूज करते हैं हम कीटोन को CH3CO3 यानी कि एसीटोन को, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगर आपको एल्डिहाइड दिया है तो इन दोनों में से यहाँ पे जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप, कौन सा हाइड्रोक्सी ग्रुप पार्टिसिपेट करेंगे आप प्रोटेक्शन में। अगर यहाँ पे कीटोन दिया है तो जो यहाँ पे कितने सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है उनमें से कौन पार्टिसिपेट करेगा प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो एक बात तो फिक्स है, यहाँ पे देखो एल्डिहाइड होगा तो 1,3 डायोल ही होगा। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं पे 1,3 डायोल, देखो यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे जो ए वाली रिंग है वो एडिटिज में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे है इक्विटोरियल में OH, यहाँ पे अब क्या होगा, देखो यहाँ पे एक रिंग जनरेट होगी, ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास क्या है ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे प्रोटेक्ट हो गया, तो यहाँ पे एक होगा H और यहाँ पे होगा फिनाइल। तो हमें पता है जो बल्की ग्रुप होता है वो कहाँ पे रहता है भाई, इक्विटोरियल पोजीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विटोरियल में आ गया PH और यहाँ पे एक्सियल में होगा H। तो आप देख सकते हैं जो ए वाला है OH वो कहाँ पे है भाई, इक्विटोरियल में। ए वाला भी PH है वो कहाँ पे है, इक्विटोरियल, यानी कि दोनों सेम साइड है, ठीक है। अगर मान लो इस हाइड्रोक्सी ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री वेज है तो PH की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी वेज आएगी, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री डेस है तो यहाँ पे जो PH है उसकी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री डेस ही आएगी, ठीक है। देखो ये हमारे पास एल्डिहाइड था इसलिए हमने यूज किया 1,3 डायोल, यहाँ पे क्या है भाई कीटोन, तो यहाँ पे कौन होगा 1,2 डायोल। तो आप देखो यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, हम यहाँ पे चलो यूज़ करते हैं ए वाला, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हमारा CH3, ये CH3, तो ये बन गया हमारा प्रोटेक्शन, ठीक है। ये हमने चेयर फॉर्म ड्रॉ किया था, ठीक है, इसका हम प्लानर फॉर्म यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे ये चेयर फॉर्म था, ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं प्लानर फॉर्म इसका। देखो यहाँ पे सिक्स मेंबर रिंग, पहले तो
इस ऑक्सीजन है उसकी यहाँ पे क्या होता था, CH2OH, तो देखो यहाँ पे आ गया CH2OH। आप ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे कहाँ पे, ये इक्विटोल 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 इक्विटोल, यानी कि ये देखो 1-2 इक्विटोल यानी कि ट्रांस होता है, ठीक है, ट्रांस यानी कि ऑपोजिट साइड। ये वेज में है तो यहाँ पे आएगा डैश में OH, ये डैश में है तो यहाँ पे आएगा वेज में OH, यहाँ पे वेज में है तो यहाँ पे डैश में, यहाँ पे डैश में है तो यहाँ पे आएगा अब वेज में OH, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने देखा चेयर फॉर्म से, अब हम देखेंगे प्लानर फॉर्म से, ठीक है। PHCHO H+, यहाँ पे हम यूज करेंगे एसीटोन CA3CO CA3 H+। हम पता आल्डिहाइड जब भी आएगा तो हम यूज़ करेंगे 1,3 एंड कीटोन आएगा तो फिर 1,2-1,3-डायल के लिए देखो यहाँ पे 1,2 एंड 3 एयर डायल यूज करेंगे हम, तो देखो इसकी होगी कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट। देखो ए वाला पीएच, सॉरी ओएच है, ओ एट इज मेंटेन रहेगा, यहाँ पे ओएच वेज में है, यहाँ पे डैश में ओएच, यहाँ पे वेज में ओएच, यहाँ पे डैश में, ये रहा ऑक्सीजन वेज में। देखो यहाँ पे आएगा अब पीएच, देखो यहाँ पे कायरल सेंटर जनरेट हुआ तो इसकी कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। तो थोड़ी देर मैंने बताया था जो इस हाइड्रोक्सी ग्रुप की जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही पीएच की होगी, यहाँ पे डैश में है तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी पीएच की डैश, ठीक है। अब चलो इसकी बात करते हैं, इसके लिए हमने यूज किया था ये दोनों, देखो यहाँ पे, यहाँ पे सॉरी वेज में हुए थे, यहाँ पे डैश में, यहाँ पे वेज में, यहाँ पे डैश में, और यहाँ पे वेज में है CH2OH, ठीक है। तो ये था हमारा, आपको पता नहीं होगा, ये था हमारा बीटा डी ग्लूकोज। अब हम बात करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में। जो बीटा डी ग्लूकोज होता है उसमें सभी वैलेंसी, चेयर फॉर्म की बात कर रहा हूँ, सभी वैलेंसी कहाँ पे होती है, इक्विटोरियल में होती है, ठीक है। ये क्या था हमारा बीटा डी ग्लूकोज, जो ये दोनों फॉर्म है बीटा डी ग्लूकोज के हैं। तो चलो अब बात करते हैं हम अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे जो 1,2-डायल है वो ट्रांस है, देखो 1,2 इसकी बात करें तो वेज और डैश ये भी ट्रांस है, 1,2 वेज डैश वो भी ट्रांस है, वेज डैश ये भी ट्रांस और ये भी ट्रांस, इसलिए हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन करवाया, ठीक है। लेकिन हम थोड़ी देर पहले देख चुके रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, 6-डायल देन ट्रांस डायल की, ठीक है। 6-डायल तो फिक्स ही है, एक्सियल इक्विटोरियल होगा, लेकिन ट्रांस में दो आता है, इक्विटोरियल इक्विटोरियल एंड एक्सियल एक्सियल। तो याद रखेगा इक्विटोरियल इक्विटोरियल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और एक्सियल एक्सियल में तो होता ही नहीं है प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर आपके जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो एक्सियल एक्सियल पोजिशन में होता है तो वहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो चलो ये बात की हमने बीटा डी ग्लूकोज के बारे में, अब हम बात करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में। तो देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ अल्फा डी ग्लूकोज, तो एक ही फर्क है सिर्फ इसमें, यहाँ पे जो वैलेंसी होगी वो एक्सियल में होगी, बाकी सारी की सारी इक्विटोरियल में, सिर्फ चेंज यहीं पे होता है एनोमेरिक कार्बन पे, ठीक है, यहाँ पे OH, और जो इक्विटोरियल में है यहाँ पे OH, ठीक है। PHCHO एल्डिहाइड हमें पता है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 1,3-डायोल, ठीक है। अब हम इसमें डालते हैं एसीटोन CH3COACetone, ठीक है, H+, इसमें हम यूज़ करेंगे 1,2-डायोल, ठीक है ना। तो देखो ये भी यहाँ पे 1,3-डायोल है, तो थोड़ी देर पहले हमने देखा क्या होगा, यहाँ पे एक 6-मेंबर रिंग जनरेट होगी, देखो बन गया कुछ, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वो पीएच होगा, वो कहाँ पे होगा भाई, इक्विटोरियल, देखो ये वाला सेम प्रोडक्ट हमें मिलेगी, ये वाली हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगी, लेकिन फर्क कितना होगा, यहाँ पे जो हमारे पास OH है वो कहाँ पे है, इक्विटोरियल में, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे आएगा, एक्सियल वैलेंसी में, ठीक है। देखो यहाँ पे
यहाँ पे ए इक्विटोल में है तो यहाँ पे जो पीएच होगा वो भी कहाँ पे होगा, इक्विटोल में, ठीक है। सॉरी, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पे एक्सेल में आएगा, ठीक है, यहाँ पे इक्विटोरियल में, यहाँ पर भी इक्विटोरियल में, यहाँ पे इक्विटोरियल में ऑक्सीजन, यहाँ पे इक्विटोरियल में पीएच, ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे वन टू की। देखो वन टू हमारे पास सीस भी है एंड ट्रांस भी है, तो पहले कहाँ पे होगा, जो सीस डायोड होगा वहाँ पे फास्ट रिएक्शन रेट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए वाला एक्सेल है, ए वाला इक्विटोरियल है, बाकी सारी की सारी कहाँ पे है भाई, इक्विटोरियल, यानी कि ए भी ट्रांस है, ट्रांस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांस भी है और सीस भी है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप, जो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप सीस में होगा वो जो रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी। थोड़ी देर पहले हमने रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा, ठीक है, तो यहाँ पे अब एसीटोन का प्रोटेक्शन होगा। एल्डिहाइड में आपको चेक नहीं करना है, वहाँ पे 1,3 डाइल्यूज होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे, यहाँ पे इक्विटोरियल में, यहाँ पे एक्सेल में, ठीक है, तो ये है आपका आंसर। ये क्या है भाई हमारा, अल्फा डी ग्लूकोज। ये जो हमने देखा अल्फा डी ग्लूकोज को चेक रूम था, अब हम देखेंगे फ्लानर फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो अब देखो ये फ्लानर फॉर्म हमारा, देखो यहाँ पे वेज में C2H, यहाँ पे डैश में, यहाँ पे वेज में, यहाँ पे डैश में, लेकिन जब ये हमारा इक्विटोरियल में था वो आ गया एक्सेल में, इसलिए इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, ठीक है। PHCHO H+, तो इसके लिए हमें चाहिए 1,3 डायोड, जो कि ये रहा हमारे पास, तो इसकी प्रोडक्ट बनेगी कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे वेज में, यहाँ पे डैश में है, ठीक है। देखो यहाँ पे डैश में वेज, डैश में वेज, यहाँ पे है वेज में वेज, यहाँ पे डैश में, यहाँ पे आएगा वेज में वेज, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डैश है, तो यहाँ पे जो हमारा पीएच होगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डैश ही आएगी, ठीक है। ये बात कर ली हमने एल्डिहाइड के बारे में, अब हम बात करते हैं एसीटोन के बारे में। CH3COCH3, इसमें हम यूज़ करेंगे 1,2 डायोड। 1,2 डायल जो सीस होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो सीस में है, ठीक है। देखो यहाँ पे वेज में CH2H, यहाँ पे डैश में, यहाँ पे वेज में वेज, ठीक है, यहाँ पे डैश में, यहाँ पे डैश में, इसलिए एसीटोन का यहाँ पे प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। अगर हम डालते हैं इसमें एसीटोन तो यहाँ पे प्रोटेक्ट होगा, अगर हम आली आल जाते तो फिर यहाँ पे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो कई बार एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो चलो वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आपको सामने से ही यू क्वेश्चन दिखता होगा, देखो बाद में कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, ये सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे वेज में ओएच, वेज में ओएच, यहाँ पे डैश में ओएच, ठीक है। चलो अब हम इसमें डालते हैं एसीटोन CH3COCH3H+, ठीक है। तो रिएक्टिविटी हमें पता है, जो सीस डायोड होगा वहाँ पे प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी और इसकी बात करें तो ये ट्रांस है और ये दोनों सीस, तो अगर हम एसीटोन डालते हैं तो उसमें ये दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप यूज हो गए, तो ये डैश वाला है वो एटरीज मेंटेन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये हो गया हमारा एसीटोन, ठीक है। ये सिंपल, लेकिन कई बार क्या करते हैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो यहाँ पे
AIMP है, याद रखना। देखो यही क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं, सेम लिखा ना मैंने। अब देखो यहाँ पे Me2 टू टाइम्स C OAT टू टाइम्स H+, कुछ इस तरीके से। देखो अब ये ध्यान से देखेंगे आप, तो पहले तो क्या होगा भाई, ये तो एसीटोन वाला था, ये तो हमने रिएक्शन करवाई नहीं है, इससे इसमें तो रिएक्शन नहीं होगी, कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन याद रहेगा इसमें से जनरेट क्या होता है, एसीटोन, किस तरीके से। तो देखो इसकी मैं पहले मैकेनिज्म लिखवाता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से माइंड में आता। देखो यहाँ पे OAT, यहाँ पे OAT, इसके साथ क्या दिया है H+, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसमें से जनरेट होगा एसीटोन, वो आपको खुद से याद रखना होगा, ठीक है। तो चलो पहले H+, तो कोई भी एक साइड यहाँ पे है जो लोन पे है H+ पे अटैक कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया OAT, मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे OAT, यहाँ पे H आ गया, तो अभी आ गया OAT चार्ज। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे ये लोन पे यहाँ पे आएगी और इसको यहाँ से रिमूव कर देगी, यानी कि इथेनॉल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बना, इसमें जनरेट क्या हुआ है, देखो बनेगा कुछ इस तरीके, डबल बॉन्ड OAT, यहाँ पे है मिथाइल, यहाँ पे है मिथाइल, अब यहाँ पे आ गया OAT चार्ज। तो क्या होगा देखो, H+ दिया है आपको, तो साथ में वाटर तो होगा ही, इसका मतलब ये हुआ एक किसकी मिटेशन है, डी प्रोटेक्शन ऑफ एसीटाल, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था ना, क्या देखा था, देखो यहाँ पे मिथाइल, मिथाइल सी डबल बॉन्ड ओ, इसमें हम डालते हैं 2 मोल इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडी, तो जनरेट क्या होगा इसमें से, देखो यहाँ पे भी OAT आ जाएगा, यहाँ पर भी OAT आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेप, प्रोटेक्शन, और बाद में हम फिर से हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या होगा, डी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो है वापस से डी प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म में, याद रखना, वो यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, तो देखो बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे आ गया OAT, यहाँ पे ऑक्सीजन HH, अब यहाँ पे आ गया OAT चार्ज, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल। अब देखो क्या हुआ, फिर से यहाँ पे OAT चार्ज आया, तो जो H है ऑक्सीजन क्या करेगा, वो H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, रिमूव होगा यहाँ से H+, वहाँ पे आ गया, ठीक है, OAT पे OATH OAT चार्ज, ठीक है, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल। अब क्या होगा, ये वाली लोन पे यहाँ पे आएगी और यहाँ से OAT को रिमूव कर देगी, यानी कि रिमूव होगा यहाँ से इथेनॉल, बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे OH OAT चार्ज, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से OAT चार्ज आया ऑक्सीजन पे, तो अब ये जो H है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, रिमूव होगा -H+, देखो इसमें से जनरेट हो गया हमारा एसीटोन, ठीक है। याद रहेगा एसीटोन को इस तरीके से भी आपको लिख के दे सकते हैं, ठीक है, बाकी वो आपको आता ही है। एसीटोन जनरेट हो गया तो ये वाला इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है हर बार आपको कुछ इस तरीके से एसीटोन ही दे देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से भी आपको दे सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये था हमारा प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं किस टाइप के इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट में, ठीक है। चलो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप दिए हैं, इसमें से आपको कन्वर्जन करना है कुछ इस तरीके से, यानी कि ये जो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड, और देखो यहाँ पे इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, बाद में इसका प्रोटेक्शन करा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें पता है ए वाला ग्रुप है, कब आएगा भाई, जब हम प्रोटेक्शन करेंगे तभी ये ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा ना, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है, इतना आप जब भी MnO2 डालेंगे, PCC डालेंगे, PCC जोन्स, हमें पता है जो ये PCC है और ये जोन्स है दोनों का ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है, जो कि हमारा जो यहाँ पे MnO2 है
वो सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है, वो पहले ऑक्सीडेशन करता है बेंजाइलिक एलाइलिक अल्कोहल का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वाला अल्कोहल है वो बेंजाइलिक है और ये वाला प्राइमरी। तो याद रखिएगा जो हमारा MnO2 है वो क्या करेगा भाई, पहले तो इसका ऑक्सीडेशन यानी कि उसको हम कार्बोनाइल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जब आप PCC डालेंगे तो क्या होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो बनेगा कुछ इस तरीके से, PCC डाले या फिर जोन्स डाले, ठीक है। पहले स्टेप में जब भी आप PCC और जोन्स डालते हो तो दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया कार्बोनाइल, ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा CHO। तो आप देख सकते हैं PCC और जोन्स डालेंगे तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगी आपको, लेकिन आप देखेंगे बाद में यहाँ पे वापस MnO2। अब क्या होगा भाई, दोनों का तो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो निकल गया, इतना याद रखना, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, चलो इसमें भी प्रोटेक्शन दे दिया है, इसमें भी प्रोटेक्शन का स्टेप दे दिया, लेकिन हमें पता है यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों प्रेजेंट है। क्या है भाई, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों प्रेजेंट है, तो पहले किसका प्रोटेक्शन होगा, एल्डिहाइड का, ठीक है। अगर हम ये मेथड यूज करते हैं PCC और जोन्स वाले तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन को दोनों का हो जाएगा, एक तरफ बनता है हमारे यहाँ पे कीटोन और यहाँ पे बन जाएगा एल्डिहाइड। बाद में यहाँ पे आपको दिया है प्रोटेक्शन का स्टेप, तो हमें पता है एल्डिहाइड का पहले प्रोटेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए प्रोडक्ट में कुछ इस तरीके से नहीं, क्या है भाई, यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोनाइल है उसका प्रोटेक्शन कर दिया है, बाद में जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है वो एटीज मेंटेन है। वो कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो ये MnO2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो ये PCC वाले और ये जोन्स वाले ऑप्शन तो ऐसे ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप तो आंसर आ जाएगा ए, लेकिन किस तरीके से वो भी देख लीजिए। पहले क्या होगा, देखो अब जब भी आप MnO2 डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो बेंजाइलिक ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसका पहले ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो इसने क्या कर दिया है, प्रोटेक्शन, ठीक है, अब हो गया है प्रोटेक्शन, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे अब जो हमारे पास कीटोन बना हुआ है उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब OH और लास्ट स्टेप में क्या दिया है, PCC फिर से ऑक्सीडेशन, यानी कि जो हमारा अल्कोहल ग्रुप है उसका हो जाएगा अब एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा ए, फर्स्ट वन इज राइट आंसर। और आप क्वेश्चन देखिए 122 यानी कि 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए 139 क्वेश्चन नंबर यानी कि 139। तो याद रखिएगा ये भी जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, रिएक्शन ऑफ SRS कॉन्फिगरेशन होता है ना वो पूछा, यहाँ पे S कॉन्फिगरेशन 1-2-4 ब्यूटेन ट्रायोल, ठीक है। तो चलो पहले उसका कॉन्फिगरेशन देख लेते हैं, यहाँ पे देखो OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, 1-2-3-4 यानी कि 1-2-4 ट्रायोल, 4 कार्बन यानी कि ब्यूटेन होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया 1-2-4 ट्रायोल, उसकी रिएक्शन करवाते हैं बेंजाइल्डिहाइड के साथ। तो याद रखिएगा जब भी बेंजाइल्डिहाइड होगी तो 6 मेंबर रिंग ही जनरेट होगी और वहाँ पे यूज होगा 1-3-diol। तो आप पहले ही ये जो 5 मेंबर वाली रिंग है उस क्वेश्चन उस ऑप्शन को हटा दीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री इस OH ग्रुप की होगी वही स्टीरियोकेमिस्ट्री PH की आएगी, ठीक है। तो देखो आपको RS करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या कहा था मैंने, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इस ऑक्सीजन की होगी वही स्टीरियोकेमिस्ट्री PH की होगी, लेकिन आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में क्या है, ऑपोजिट, यानी कि ये जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर इज बी, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑक्सीजन की होगी वही स्टीरियोकेमिस्ट्री PH की होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, देखो यहाँ पे ये तो मैंने करवा दिया ना, ये होमवर्क में, ठीक है। देखो 131 यानी कि ये भी 4 मार्क्स में पूछा गया था,
आपको क्या करना है इसमें, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ग्लूकोज, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड बेंजाल्डिहाइड, ग्लूकोज एंड बेंजाल्डिहाइड के रिएक्शन, ठीक है, वो आप अपने आप से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट और किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है, 138 यानी कि ये भी 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ S124 ट्राइब्यूटेनॉल, उसकी रिएक्शन करवाते हैं 3-pentanol यानी कि कीटोन। तुम्हें पता है कीटोन होगा, 1,2 और 1,3 डायल दोनों प्रेजेंट है तो 5 मेंबर रिंग ही जनरेट करेगा, ठीक है। तो आप इसमें से पहले दो ऑप्शन तो वैसे ही निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में 6 मेंबर रिंग जनरेट हुई है। अब देखो यहाँ पे अब क्या कहा है इसमें, तो आप बस यही है ना कि इन दोनों की रिएक्शन, लेकिन देखो यहाँ पे भी 5 मेंबर है और यहाँ पे भी 5 मेंबर रिंग है, तो इन दोनों में से कौन सा सही आंसर है। तो आप देखिए यहाँ पे जो स्टीरियो केमिस्ट्री दी है आपको जिस हाइड्रोक्सी ग्रुप की, उसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए एस। तो चलो यहाँ पे जो हमारा काइरल सेंटर होगा ना वेज में एच, यहाँ पे भी क्या है भाई, सॉरी यहाँ पे आएगा डेस में एच, ठीक है। तो आप इन दोनों काइरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना होगा, किसका आ रहा होगा किसका एस, जिसका एस कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब जो इस कार्बन की बात करें, तो इसके साथ डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन यानी कि इसका 1 नंबर इसका 4 नंबर, अब हमें देखना है सिर्फ 2 नंबर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे भी कार्बन है यहाँ पे भी कार्बन है, सेम हुआ। चलो एक स्टेप आगे जाते हैं, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये हो गया 2 नंबर और ये हो गया 3 नंबर। देखो 1, 2, 2 आर, आंसर क्या आ रहा है आर, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे जो है फोर्थ वैलेंसी होती है वो कहाँ पे होनी चाहिए, अवे फ्रॉम द व्यूअर, यानी कि हम यहाँ पे आंसर कर देंगे रिवर्स, क्योंकि जो फोर्थ वैलेंसी है वो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। इसका आंसर होगा आर बट एस। देखो यहाँ पे पूछा कौन सा है भाई, एस वाला, तो याद रखेगा ये आपका सही आंसर है। आप इसका काइरल सेंटर करेंगे तो इसका कंफ्यूजन होगा आर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन यहाँ भी आपको दे दिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके दिया है आपको, साथ में दिया है 2,2-dimethoxypropane, प्रोपेन यानी कि हमें पता है 3 कार्बन, ठीक है। तो देखो 1, 2 और 3 इसमें क्या किया है, जो 2 नंबर है उस पर डाईमिथोक्सी, मिथोक्सी ग्रुप यानी कि ओएमई, देखो ये रहा ओएमई, ओएमई थोड़ी देर पहले हमने ऐसा इक्वेशन सोल्व किया, उसके साथ क्या दिया है पेराटोलुइन सल्फोनिक एसिड यानी कि एच प्लस, जब भी हम दोनों को ऐड करेंगे तो उसमें से जनरेट होगा एसीटोन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवानी है आपको एसीटोन के साथ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कितने सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, देखो 1, 2, 3, 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। जब भी कीटोन आता है तो हमें पता है 1,2-diol यूज होगा यानी कि 5 मेंबर रिंग जनरेट होगी। देखो यहाँ पे 1,2-diol यूज किया हुआ है, यहाँ पे भी 1,2, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 1, 2 and 3-diol यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही निकल गया। देखो अब ये तीनों बच्चे, इन तीनों में से कौन सा सही आंसर है, तो आपको पता होना चाहिए रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, जो सिस हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ट्रांस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेज एंड डैश यानी कि ट्रांस है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखो वेज एंड डैश, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका सही आंसर, राइट आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन के रिलेटेड जो नीतला वाला है क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन है वो गेट का क्वेश्चन है, किस तरीके से पूछा गया, देखो यहाँ पे अब ये आपको आंसर मिल गया ना। अब देखो उसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया है किस तरीके से, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स, एक्स प्रोडक्ट है कौन सी, तो देखो यहाँ पे क्या है ऑब्टेन इन द अबो रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन में जो आपकी प्रोडक्ट मिली है उसे इसने कह दिया है एक्स प्रोडक्ट, ठीक है। एक्स प्रोडक्ट यानी कि
हमारी सी ऑप्शन, ठीक है, विच एक्टिव मैंगनीज ऑक्साइड, देखो यानी कि MnO2, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है MnO2 के साथ, ठीक है। तो अब बाद में क्या किया है, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी कि जो हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन किया है उसका वापस से डीप्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वापस सभी में हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब किया क्या है, ये जो हमारी प्रोडक्ट है उसका ऑक्सीडेशन कर दिया है किसके साथ, MnO2। जो हमारा MnO2 होता है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसकी कुछ सिलेक्टिविटी है, कौन सी है, बेंजाइलिक और एलाइलिक, पहले उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। तो चलो ये वाला तो ऑप्शन किस तरीके से बनाया, इसे तो वैसे ही आप हटा दीजिए, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, देखो अब यहाँ पे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ए वाला आंसर है ना, इसका आपका ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे ऑक्सीडेशन किसका होगा, या फिर इस हाइड्रोक्सी ग्रुप का या फिर इस हाइड्रोक्सी ग्रुप का। तो यहाँ पे जो अपसाइड दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेक कीजिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपसाइड वाले हैं उसका ऑक्सीडेशन करवा दिया, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी बचे ये दोनों, यानी कि इसका ऑक्सीजन होगा या फिर इसका, तो मैंने आपको सिलेक्टिविटी बताई थी, वो एलाइलिक का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। तो ये है आपका राइट आंसर, आप देख सकते हैं यहाँ पे एलाइलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप छोड़ के जो यहाँ पे बीटा पोजिशन पे है उसका हाइड्रोक्सी ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो ये आपका गलत आंसर है, राइट आंसर इज सी, ठीक है। तो देखो ये हो गया एल्डिहाइड एंड कीटोन का, एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बात की हमने कार्बोनाइल के बारे में, अब हम देखेंगे आगे अल्कोहल के बारे में, लगा दीजिए हेडिंग अल्कोहल। अब हम प्रोटेक्शन करने वाले हैं अल्कोहल का, ठीक है, किस किस से होता है, तो देखिए पहला लिखिए बाय TMSX, उसका फुल नेम क्या है, ट्राइमिथाइल, पहले तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, MA3SIX ट्राइमिथाइल सिलाइल हेलाइड, ट्राइमिथाइल सिलाइल हेलाइड, टुक में इसे कहते हैं TMS हेलाइड का एक्स, ठीक है। आप कोई भी यहाँ पे हेलाइड यूज कर सकते हैं, तो देखिए किस तरीके से होता है, ROH प्लस TMSX बनेगा कुछ इस तरीके से, ROTMS होगा क्या, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से X ओरल HX रिमूव होगा इसमें से, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से होती है, तो देखो यहाँ पे TMS ट्राइमिथाइल सिलाइल हैलाइड, ठीक है। तो पहले तो क्या होगा, ये जो हमारा अल्कोहल है उसके पास लोन पेयर होगी, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे अटैक करेगा और एक्स को यहाँ से रिमूव कर देगा, बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे आर ऑक्सीजन, यहाँ पे एच इसके साथ जुड़ गया, अब यहाँ पे सिलिकॉन मिथाइल मिथाइल एंड मिथाइल, यहाँ पे लोन पेडोन की, इसलिए यहाँ पे आएगा अब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन है वो एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो रिमूव होगा यहाँ से एच प्लस माइनस एच प्लस, और बन गया हमारा आर एस आई एम ई एम ई एम ई, इसको इस तरीके से भी लिखा होगा ROTMS, ठीक है। तो ये बात की हमने प्रोटेक्शन के बारे में, चलो अब देखते हैं इसका डी प्रोटेक्शन किस तरीके से होता है। देखो अब यहाँ पे इसका डी प्रोटेक्शन दो तरीके से होगा, पहला ये प्रोटेक्शन के बारे में बात की हमने, अब बात करेंगे डी प्रोटेक्शन, उसमें पहले लिखिए बाय हाइड्रोलिसिस,
यानी कि H प्लस एच टू या फिर एक्वियस एच टू एस ओ फोर या फिर एच थ्री ओ प्लस या फिर इस तरीके से लिखा होगा एच सी एल रिफ्लक्स कुछ इस तरीके से, ठीक है, इनमें से कोई भी दे सकता है आपको। तो चलो पहले इसकी मैकेनिज्म देखते हैं किस तरीके से डी प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। आर टी एम एस यहाँ पे एच प्लस एच टू हाइड्रोलिसिस, तो इसमें से बनेगा हमारा अल्कोहल वापस मिल जाएगा प्लस टी एम एस ओ एच। तो चलो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं किस तरीके से होता है। देखो यहाँ पे आर ऑक्सीजन, यहाँ पे सिलिकॉन एम ई थ्री इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। पहले तो क्या है, एसिडिक मीडिया है, तो पहले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे आर ऑक्सीजन, यहाँ पे एस आई एम ई थ्री, यहाँ पे आएगा अब पॉजिटिव चार्ज। देखो अब क्या होगा, हमें पास अभी भी रिएक्शन मास में क्या है एच टू, हमें पता है सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, तो जो हमारा लोन पेयर है ऑक्सीजन की लोन पेयर है वो क्या करेगी, यहाँ पे सिलिकॉन पे अटैक करेगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बनेगा कुछ इस तरीके से, ये हमारा यहाँ पे अल्कोहल मुझे वापस मिल गया प्लस एम ई थ्री एस आई ऑक्सीजन एच एच, देखो लोन पेयर डाउन कर दी इसलिए यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो वापस से क्या कर गया एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो माइनस एच प्लस में होगा और बनेगा यहाँ पे एम ई थ्री एस आई ओ एच, ठीक है। तो ये डी प्रोटेक्ट हो गया। इसके अलावा दूसरा तरीका भी देखते हैं, चलो लिखिए दूसरा बाय एनी फ्लोराइड माइनस आयन, यानी कि एनी सोर्स ऑफ एफ माइनस। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे टीबाफ, टीबाफ का फुल नेम क्या है, नॉर्मल ट्राइब्यूटाइल एमोनियम फ्लोराइड, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। इसके अलावा यहाँ पे कौन दे सकते हैं, तो याद रखिएगा के एफ सी एफ इस तरीके से, ठीक है, एनी एच एफ। हमें क्या चाहिए, ओनली एफ माइनस, जिस जिस में एफ माइनस होगा वो टी एम एस का डी प्रोटेक्शन कर देगा, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से होता है, आर ऑक्सीजन टी एम एस, हमारे पास जो एफ माइनस है वो क्या करेगा, इस तरीके से लिखता हूँ एस आई एम ई थ्री, तो जो हमारा एफ माइनस है वो क्या करेगा, सिलिकॉन पे अटैक करेगा क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, ठीक है। बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे बन गया आर ओ नेगेटिव और लास्ट में क्या होगा एच प्लस दे देंगे, तो बन जाएगा हमारा अल्कोहल, ठीक है। तो ये वापस से डी प्रोटेक्ट हो गया। इन शॉर्ट देखो यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल अल्कोहल आर ओ एच, इसका प्रोटेक्शन करेंगे हम टी एम एस एक्स, ठीक है, एक कौन सा स्टेप है प्रोटेक्शन का है, तो इसमें से जनरेट होगा आर ओ टी एम एस। अब वापस डी प्रोटेक्शन करना है तो दो तरीके से होगा, पहला हाइड्रोलिसिस एच सी ओ प्लस या फिर एनी सोर्स ऑफ एफ माइनस आयन, एनी सोर्स ऑफ एफ माइनस आयन। फॉर एग्जाम्पल टी बाफ, इसके अलावा आप ले सकते हैं के एफ सी जी एम फ्लोराइड एच एफ, ठीक है। एफ माइनस हमें मिलना चाहिए, जिस जिसमें एफ माइनस होता है वो इजीली इसका डी प्रोटेक्शन कर देगा और वापस से मिल जाएगा हमें हमारा अल्कोहल, ठीक है। पहला प्रोटेक्शन, दूसरा स्टेप है वो डी प्रोटेक्शन का है। अब आगे देखते हैं, चलो ए टी एम एस दूसरा प्रोटेक्शन अल्कोहल का बाय टी बी डी एम एस, टी एम एस का स्ट्रक्चर तो आता ही होगा आपको, सिलिकॉन
यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, अब क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल TMSX, ठीक है। अब क्या करेंगे, TMS का स्ट्रक्चर है ना, उसमें से एक मिथाइल निकाल के हम वहाँ पे लगा देंगे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप सी, CA3, टर्शियरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल हैलाइड। देखो यहाँ से टर्शियरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल हैलाइड TBDMS, ठीक है। और यहाँ पे हैलाइड का X, याद रखेगा TMS का जैसा ये जस्ट लाइक TMS, TMS से डी प्रोटेक्शन होता है वही TDMS से होगा, ठीक है। देखो यहां पे ROH TBDMS X क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में HX सिम हो जाएगा, बनेगा कुछ इस तरह के RO TBDMS, ये हो गया प्रोटेक्शन। अगर इसका डी प्रोटेक्शन करना है तो जो यूज़ किया था हमने TMS में वही यहाँ पे भी यूज होगा, HCO प्लस या फिर हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे TBAF, यहाँ पे लिखो NEF माइनस सोर्सेस TBAF KF सीजियम फ्लोराइड HF, इस तरीके से वापस से हमें मिल जाएगा अल्कोहल। तो याद रखिएगा TMS हो या फिर TBDMS हो, उसका डी प्रोटेक्शन किससे होता है, हाइड्रोलिसिस या फिर एनी सोर्स ऑफ एफ माइनस, ठीक है, ये दोनों सिमिलर है। चलो अब आगे देखते हैं, अब देखिए तीसरा बाय BNBR बेंजाइल ब्रोमाइड। देखिए यहां पे ये है BNBR, तो चलो पहले देखते हैं प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन किस तरीके से होगा, बाद में उसकी मैकेनिज्म देखेंगे हम, ठीक है। तो देखो यहां पे प्लस BNBR, इसके साथ आपको बेच दिया होगा एनी, ठीक है, NH। तो ये प्रोटेक्शन की बात करें तो अब देखो यहाँ पे बन जाएगा ओ बी एन, ठीक है। याद रखिए जब भी बेंजाइल ग्रुप आता है कुछ इस तरीके का, ठीक है, तो उसका डी प्रोटेक्शन आपको आता हो या ना आता हो, तो देखिए यहाँ पे H2PDC, जब भी इस तरीके का ग्रुप होगा उसको डी प्रोटेक्ट करना होगा, तो हम क्या यूज करेंगे H2PDC, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें HBR डाल दो तो भी इसका डी प्रोटेक्शन हो गया। चलो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से डी प्रोटेक्ट होगा, और वापस से मिल जाएगा हमें अल्कोहल, दो तरीके से इसका डी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। चलो पहले प्रोटेक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं, बाद में डी प्रोटेक्शन की। देखो यहाँ पे ROH प्लस इसमें दिया होगा BNBR एनी बेज साथ में, तो देखो अब किस तरीके से इसे सोल्व करते हैं। देखो NH हमें पता है वो क्या करेगा, ये जो हमारा अल्कोहल है उसका प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा, तो बनेगा यहाँ पे RO नेगेटिव, ये है बेंजिल PHCH2Br। तो देखो अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे अटैक करेगा और इसको यहाँ से रिमूव कर देगा, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो RO नेगेटिव CH2PH, इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ BN, ठीक है। ये तो हो गया प्रोटेक्शन, चलो अब देखते हैं हम डी प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म। देखो डी प्रोटेक्शन दो तरीके से होता है, इसमें पहले लिखिए
बाय एच टू बी डी सी। देखो यहाँ पे बी एन बी आर, तो ये रहा हमारा आर ऑक्सीजन सी एच टू पी एच, ये हम पहले भी देख चुके हैं एच टू पी डी सी। हाइड्रोजिनोलिसिस में देखा होगा ये क्या करता है एच टू पी डी सी, हमें पता है ये जो बेंजाइल ग्रुप होता है वो यहाँ से कर होता है और दोनों तरफ एच एच का एडिशन करता है, ठीक है, तो बनेगा कुछ इस तरीके से आर ओ एच प्लस पी एच सी ए थ्री, पी एच सी ए थ्री यानी कि टोल्यून मिलेगा, ठीक है। ये बात की हमने एच टू पी डी किसी से, अब बात करेंगे हम सेकंड बाय एच बी आर किस तरीके से होगा। देखो यहाँ पे एसिडिक मीडिया है तो पहले क्या हो जाएगा आर ऑक्सीजन, यहाँ पे सी एच टू पी एच, ठीक है, एच बी आर यानी कि एसिडिक मीडिया है तो पहले तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उस पर प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है, तो बनेगा कुछ इस तरीके से आर ओ यहाँ पे एच, यहाँ पे सी एच टू, यहाँ पे पी एच, यहाँ पे आ गया अब कोई टी चार्ज, ठीक है। अब देखो क्या होगा रिएक्शन मास में अभी भी हमारे पास बी आर माइनस तो होगा, तो क्या करेगा वो जो बी आर माइनस है वो इस कार्बेट करेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खींच लेगा, तो बनेगा कुछ इस तरीके से इसमें देखो आर ओ एच प्लस बी आर सी एच टू पी एच, ठीक है, तो ये हो गया डी प्रोटेक्शन। तो आपने अब तक देखा टी एम एस टी बी डी एम एस बेंजाइल ब्रोमाइड एंड आगे लिखिए डी एच पी प्रोटेक्शन बाय डी एच पी, फोर्थ नंबर बाय डी एच पी, क्या फुल नेम है इसका डाइड्रोपाइरन। देखो इसका स्ट्रक्चर, पहले तो स्ट्रक्चर देख लीजिए पायरन, उसके बाद देखेंगे डाइड्रोपाइरन क्या है टेट्राहाइड्रोपाइरन क्या है, ठीक है। अगर सिक्स मेंबर रिंग में ऑक्सीजन होगा तो इसे हम कहते हैं पायरन। अब देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है ना, कोई भी एक डबल बॉन्ड को हम रिड्यूस कर देंगे, यानी कि एक डबल बॉन्ड अटैचमेंट ही रहेगा एक रिमूव हो जाएगा। इसकी कंपेरिजन में हम यहाँ पे देखेंगे तो दो हाइड्रोजन ज़्यादा है तो इसे हम कहेंगे डाइहाइड्रो पायरन, इसे हम कहते हैं डी एच पी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अगर मान लो ये जो डबल बॉन्ड है उसे भी हम रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, यानी कि बनेगा कुछ इस तरीके से, तो इसकी कंपेरिजन हम पायरन के साथ करें तो इसके मुकाबले इसके पास चार हाइड्रोजन ज़्यादा है तो इसे हम कहेंगे टेट्राहाइड्रो पायरन, ठीक है, इसे शॉर्ट में कहेंगे टी एच पी। तो चलो देखते हैं किस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे आर ओ एच इसमें आपको डी एच पी इसके साथ कोई भी एसिडिक मीडिया दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल टी एस ओ एच जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इसमें से क्या होगा आर ओ टी एच पी डी एच पी का प्रोटेक्शन जब होगा तो टी एच पी में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे मैकेनिज्म में देखेंगे, ठीक है। इसका हमें डी प्रोटेक्शन करना है तो किस तरीके से होगा, एक तो फर्स्ट थिंग क्या है हाइड्रोलिसिस, बनेगा कुछ इस तरीके से, वापस से हमें मिल जाएगा हमारा अल्कोहल और साथ में हमें मिलेगा हेमी एसिटल, वो बाद में देखेंगे। तो चलो देखते हैं मैकेनिज्म, पहले बात करते हैं हम प्रोटेक्शन के बारे में। देखो यहाँ पे ये है हमारा डी एच पी इस तरीके से, ठीक है, तो पहले क्या करना है उसकी रिएक्शन हमें करवानी है H प्लस के साथ। तो देखो अब क्या होगा यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी लोन पे यहाँ पे आती होगी और ये यहाँ पे, यानी कि इस तरह से इसमें रेजोनेंस होता होगा, ठीक है। अब क्या होगा जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोफाइल H प्लस है तो ये क्या करेगा नेगेटिव चार्ज है वो इस पर अटैक कर देगा तो बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड, अब यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, अब क्या होगा देखो जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आया क्या करेगा इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हुआ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो हमारे पास क्या है अल्कोहल है
तो जो अल्कोहल है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन की लोन पेयर यहाँ पे अटैक कर देगी, बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन एच आर, यहाँ पे लोन पेयर डोनेट कर दी, इसलिए अब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा हमें पता है, जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, रिमूव होगा माइनस एच प्लस, और ये बन गया हमारा एसीटाल। एसीटाल किसे कहते हैं, तो याद रखिए कोई भी कार्बन हो एक ही कार्बन पे दो ईथर ग्रुप, तो इसे कहते हम एसीटाल या फिर कीटाल। अगर एल्डिहाइड से जनरेट हुआ होगा तो एसीटाल, कीटोन से जनरेट हुआ होगा तो कीटाल। अगर मान लो कुछ इस तरीके से एक ही कार्बन पे OH है और एक ही कार्बन पे OR है, तो इसे कहेंगे हम हेमी एसीटाल या फिर हेमी कीटाल, ठीक है। अगर दो है तो फिर एसीटाल और कीटाल, अगर एक OH है और एक OR है तो इसे हम कहेंगे हेमी एसीटाल या फिर हेमी कीटाल, ठीक है। इतना समझ आ गया, ये थी मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन। अब बात करेंगे डी प्रोटेक्शन किस तरीके से होता है। डी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन तो कर लिया, अब हम करेंगे डी प्रोटेक्शन, क्योंकि आफ्टर रिएक्शन हमें अल्कोहल वापस चाहिए, ठीक है, ओआर। तो उसका किस तरीके से होगा, हाइड्रोलिसिस, यानी कि इसमें भी एच प्लस है, तो पहले क्या होगा यहाँ पे ओआर पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, यहाँ पे आर, यहाँ पे एच, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो अब क्या होगा, देखो हमारे पास जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है वो क्या करेगी, ये जो अब हमारा अल्कोहल है वो लिविंग ग्रुप बन गया है, तो ये लोन पेयर यहाँ पे आएगी और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा, यानी कि इसमें से रिमूव होगा आर ओ एच अल्कोहल। देखो ये हो गया डी प्रोटेक्शन, ठीक है। बाद में क्या बचता है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि लोन पे यहाँ पे आ गए, तो पता है जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता क्या करता वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेता, लेकिन हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इसलिए हमारे पास एच टू ओ तो होगा, वो यहाँ पे अटैक कर देगा, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन एच एच, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, वापस से क्या होगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा माइनस एच प्लस, तो देखो ये बन गया एक कार्बन पे ओ आर ग्रुप है और एक कार्बन पे ओ एच, तो इसे हम कहेंगे हेमी एसीटाल या फिर हेमी कीटाल, ठीक है। कीटोन से बना होगा तो हेमी कीटाल, एल्डिहाइड से बना हो तो हेमी एसीटाल, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो ये क्या था प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल, किस तरीके से देखा हमने, पहले TMS TBDMS दोनों का सेम है, प्रोटेक्शन भी और डी प्रोटेक्शन। इसके बाद देखा हमने बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है, क्या होगा उसमें बेस डालेंगे उसका प्रोटेक्शन कर देंगे बेंजाइल ब्रोमाइड के साथ। अगर हमें उसका डी प्रोटेक्शन करना है तो याद रखेगा जब भी बेंजाइल ग्रुप आता है यानी कि CH2PH आता है तो उसको डी प्रोटेक्ट करने के लिए H2PDC यूज होता ही है, इसके अलावा HBr भी हमने यूज किया था, ठीक है। पहले प्रोटोनेशन हो जाएगा बाद में Br अटैक कर देगा, इसके बाद DHP, ठीक है, इसका भी डी प्रोटेक्शन किससे होगा, हाइड्रोलिसिस से। तो चलो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके है क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रोटेक्शन किया है TMS के साथ, यहाँ पे जो कीटोन है उसका भी प्रोटेक्शन किया है 1,2-dihydroxy के साथ, ठीक है। इसमें से हमें सिर्फ डी प्रोटेक्ट करना है अल्कोहल को, इसको डी प्रोटेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है H3O+ हाइड्रोलिसिस, जो ये हाइड्रोलिसिस हमें पता है इसका तो डी प्रोटेक्शन करता है, साथ में यहाँ पे जो K
कीटोन है उसका भी डी प्रोटेक्शन कर देगा, ठीक है, ये दोनों का डी प्रोटेक्शन करता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब देखो ये H2PDC, यहाँ पे कोई CH2PH ग्रुप तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो नो रिएक्शन, इसलिए ये भी नहीं ऑप्शन नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे टी बाफ, हमें पता है इट इज अ सोर्स ऑफ F-, तो हमें पता है जो F- सोर्स वाले होते हैं वो डी प्रोटेक्शन करते हैं किसका, TMS का, ये सिर्फ TMS का ही डी प्रोटेक्शन करेगा, ये जो कीटाल लिंकेज है उसका डी प्रोटेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस तो आएगा नहीं क्योंकि दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे साथ में हिट भी दी गई हुई थी, ठीक है, तो चलो इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या है, यहाँ पे है SiMe3, यानी कि इसकी रिएक्शन होगी TBF के साथ, क्या करेगा इसका डी प्रोटेक्शन कर देगा। तो देखो अब यहाँ पे CO2Me, यहाँ पे है SiMe3, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, इसके साथ यहाँ पे है SPH। अब क्या होगा टीबा, इट इज़ ए सोर्स ऑफ F-, तो क्या करेगा इसका अटैक यहाँ पे होगा, तो जो ये वाला बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आएगा, ए वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आएगा, ए वाला बॉन्ड ब्रेक है यहाँ पे आएगा। तो देखो इसमें जनरेट हुआ कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे है CO2Me, अब यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड क्योंकि ये ग्रुप तो रिमूव हो गया यहाँ से। अब क्या हुआ यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसके साथ यहाँ पे है नाइट्रोजन, उस पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH2, इसके बाद SPH, ठीक है, ये पहला स्टेप खत्म हो गया। अब देखो दूसरा स्टेप क्या है, ये रहा दूसरा स्टेप। अब क्या हुआ जो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा इस कार्बोनाइल पे अटैक करेगा, इसका बैकग्राउंड होगा और ये जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो यहाँ से लिव हो जाएगा, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे ये तो एटीडीज मेंटेन रहेगा यहाँ पे, CO2Me, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन, उसके साथ यहाँ पे CH2SPH, अब इसके साथ यहाँ पे जुड़ गया है कार्बोनाइल, इसके बाद CH2CH2, इसके बाद है यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे है ET, ठीक है। अब क्या होगा देखो इसमें साथ में दी गई हुई है हीट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है डाइन और ये रहा डाइनोफाइल, तो हीटिंग कंडीशन में क्या होगी 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, ठीक है, किस तरीके से होगा, तो देखो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। जब भी 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती है तो 6 मेंबर रिंग जनरेट होगी, तो देखो ये भी यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन इन थर्मल कंडीशन। तो आप देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट तो 8 डिज मेंटेन है N, यहाँ पे है CO2ET, देखो अब यहाँ पे अब क्या हुआ देखो यहाँ पे जो ए वाला बॉन्ड था वो ब्रेक होकर यहाँ पे आ गया, यानी कि इस तरीके से डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, ए वाला बॉन्ड यहाँ पे इसके साथ जुड़ गया, इसके बाद यहाँ पे क्या है इथाइल, ठीक है, इस कार्बन के साथ यहाँ पे है नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है SPH, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ यहाँ पे कार्बोनाइल, इसके साथ यहाँ पे जुड़ा है CH2 और ये CH2 जुड़ा है इस कार्बन के साथ कुछ इस तरीके से, सॉरी एक ओके, तो ये बन गया आपकी प्रोडक्ट।
देखो अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आपको एल्डिहाइड दिया है और इसके साथ दिया है विटिंग रिएजेंट। तो क्या होगा विटिंग रिएजेंट, हमें पता है पीएच सीएच डबल बॉन्ड ओ, उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम पीए थ्री पी डबल बॉन्ड सीएच सी डबल बॉन्ड ओईटी। तो क्या करना है, यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से एक्सचेंज ऑफर, ठीक है, ये वाला यहाँ पे लगा देंगे और जो ऑक्सीजन है फॉस्फोरस के साथ लगा देंगे, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे जनरेट क्या हो रही है, एल्कीन जनरेट हो रही है, तो ये हमें पता होना चाहिए सीस होगी या फिर ट्रांस। तो इसके लिए हम देखेंगे जो हमारा वेटिंग है वो मोर स्टेबल है या फिर लेस स्टेबल। कैसे पता चलेगा, ये वाला कार्बन है उसके साथ अगर कोई विड्रोइंग ग्रुप अटैच है तो जो हमारा वेटिंग होगा मोर स्टेबल होगा। अगर हमारे पास मोर स्टेबल वेटिंग होगा तो ट्रांस एल्कीन जनरेट करेगा, अगर हमारे पास लेस स्टेबल वेटिंग है तो सीस एल्कीन जनरेट करेगा। लेकिन आप देख सकते हैं इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओईटी यानी कि विड्रोइंग है, तो ये ट्रांस एल्कीन जनरेट करेगा पीएच डबल बॉन्ड और इसके साथ ही यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओईटी। ठीक है, ये हो गया आपका पहला स्टेप। देखिए अभी यहाँ पे सेकंड स्टेप कौन सा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो क्या करेगा एस्टर का रिडक्शन कर देगा, कहाँ तक, अप टू अल्कोहल, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो क्या होगा पीएच यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सी एच टू ओ एच। अब देखो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आपको दिया है डी एच पी साथ में एसिड दिया है, तो क्या होगा प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे किस तरह से होगा, तो देखो यहाँ पे ये जो हमारा डी एच पी है उसको जब भी एसिड में डालेंगे तो बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, अब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या करेगा वो, देखो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इस तरफ आएगा तो जो ऑक्सीजन की लोन पे है वो यहाँ पे अटैक कर देगी, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे पीएच, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अब जुड़ जाएगा ये हमारा डीएचपी। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं पीएच यहाँ पे ट्रांस एल्कीन, यहाँ पे ऑक्सीजन और टीएचपी। तो यह है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलो आगे ये सी और क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ गया तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, हेमी एसिटाल है और इसकी रिएक्शन करवाई है विटिक के साथ, तो कुछ नहीं करना आपको। देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, देखो यहाँ पे, यहाँ पे ए वाला बॉन्ड ब्रेक करना है और ए वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, जिस कार्बन के साथ, याद रखना जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होगा वहां पे आपको लिखना है सी एच ओ और जहां पे ऑक्सीजन है वहां पे आपको एच लगा देना है। पहला स्टेप आपको ये करना है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है। देखो यहां पे आपको करना है एच लगा देना है और जिस कार्बन के साथ वो जुड़ा है वहां पे आपको लिखना है सी एच ओ। ठीक है, बाद में आपको तो आता ही है, इजी हो जाएगा, बस याद इतना रखना है ए बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है, ए बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है और कहाँ पे ओएच रखे और कहाँ पे सी एच ओ। तो करना क्या है, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि ओएच ग्रुप होगा वहीं पे आपको लिखना है सी एच ओ। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम विटिक के साथ, तो देखो प्रोडक्ट मिलेगी कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ओएच डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा सी डबल बॉन्ड ओईटी। ठीक है, ये ट्रांस एल्कीन जनरेट होगी क्योंकि हमारे पास जो विटिक है वो मोर स्टेबल विटिक है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो नेट का क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से ही। देखो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, करना क्या है, देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हेमी एसिटाल दिया है, तो पहले आपको करना क्या है, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेंगे, एक साइड आपको OH लिखना है और एक साइड आपको CHO लिखना है। कहाँ पे CHO लिखेंगे, जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है उस कार्बन को आप लिखेंगे CHO। तो देखो बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे है डैश में THB
यहाँ पे है वेज में डबल बॉन्ड, यहाँ पे डैश में ओ टी एच पी, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे हम लिखेंगे ओ एच, और इस कार्बन यहाँ पे हम लिखेंगे सी एच ओ, क्योंकि उस ग्रुप के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। इतना अब तो आपको पता ही है, वीटी की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे और जो ये वाला पार्ट है ऑक्सीजन की जगह पे रख देंगे। देखो यहाँ पे, यहाँ पे डैश में ओ टी एच एफ, सॉरी ओ टी एच पी, यहाँ पे डैश में ओ टी एच पी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं डैश में ओ एच, डैश में अब यहाँ पे सी एच टू, अब यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, इसके साथ यहाँ पे है सी एच टू सी एच टू सी एच टू और सी एच टू माइनस, तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल। अब बात करेंगे हम प्रोटेक्शन ऑफ फिनोल के बारे में, ठीक है। अब हेडिंग लगा दीजिए फिनोल, तो चलो देखते हैं फिनोल का प्रोटेक्शन। देखो ओ एच मिथाइल आयोडाइड और इसके साथ होगा एन एच, करना क्या है हमें, हमारे पास जो एसिडिक एच है उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे और बन जाएगा वो क्या, न्यूक्लियोफाइल, और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल पे हम अटैक करवा देंगे, ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे Me2SO4 स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका, मिथाइल ऑक्सीजन एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ सी ए थ्री, ठीक है। तो इसमें से भी क्या लगा, सिर्फ सी ए थ्री ग्रुप रहेगा, इसमें भी सी ए थ्री, तो ये बन गया हमारा एनिसोल। देखो ये स्टेप हो गया प्रोटेक्शन का। अब बात करते हैं डी प्रोटेक्शन के बारे में, किस तरीके से इसका डी प्रोटेक्शन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ सी ए थ्री ग्रुप का है, तो इसके लिए हमें तो पहले तो एसिडिक मीडिया चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे SUH इसके साथ HBr, ठीक है। अब देखो इसके अलावा इसका डिप्रोटेक्शन कर सकते हैं हम TMSX देन हाइड्रोलिसिस। देखो ये TMSX है प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल में यूज होता था, और यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, डिप्रोटेक्शन ऑफ फिनोल, ठीक है। तो इसमें से हमें मिल जाएगा वापस से फिनोल, ये जो स्टेप है क्या है भाई डी प्रोटेक्शन का। तो चलो अब देखते हैं मैकेनिज्म, एक मिनट, यहाँ पे लुईस एसिड यूज होगा BBr3, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। चलो लुईस एसिड के साथ यहाँ पे यूज करेंगे हम HBr, ठीक है, डी प्रोटेक्शन के लिए। अब देखो यहाँ पे पहले देखेंगे हम प्रोटेक्शन, देखो पहले तो क्या होगा फिनोल, उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम NH के साथ, तो क्या करेगा वो फिनोल का H एफेक्ट कर लेगा और जनरेट होगा यहाँ पे फिनोक्साइड आयन। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम मिथाइल आयोडाइड, तो क्या होगा ये नेगेटिव चार्ज का अटैक यहाँ पे होगा और इसको यहाँ से रिमूव कर देगा माइनस आई माइनस, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो अब यहाँ पे आ जाएगा अब OCA3, ठीक है, ये हो गया प्रोटेक्शन। इसके अलावा देखो यहाँ पे हमने यूज किया था Me2SO4, ठीक है, OH, तो देखो यहाँ पे CA3 ऑक्सीजन एस डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन CA3, ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था। अब क्या होगा ऑक्सीजन के लोन पे इस मिथाइल ग्रुप पे अटैक करेगी, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन खींच लेगा, बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे फिनोल, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे एच, और इस साइड अब आ गया यहाँ पे CA3, लोन पे डोनेट कर दी, इसलिए अब यहाँ पे आ गया पॉइंट चार्ज। तो अब क्या करेगा, जैसे ही पॉइंट चार्ज आता है वो
एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, रिमूव होगा माइनस एच प्लस और बनेगा बेंजीन, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा अब CA3। तो ये थी मैकेनिज्म प्रोटेक्शन के, ठीक है। अब बात करते हैं डी प्रोटेक्शन के बारे में। पहले देखते हैं, चलो BBr3 with HBr। आपके पास एनी लुइस एसिड होगा, ऐसा जरूर नहीं है कि हमेशा BBr ही दिया हो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे pH यहाँ पे है OCH3, ठीक है। इसके पास लोन पेयर होगा, ये क्या है लुइस एसिड, तो क्या करेगा पहले तो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CA3, यहाँ पे BBr3, यहाँ पे नेगेटिव क्योंकि लोन पेयर एक्सेप्ट की है और इसने डोनेट कर दिया, इसलिए यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा देखो, हमारे पास HBr यानी कि Br- होगा, वो क्या करेगा, जो हमारा Br- है वो इस मिथाइल पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे रिमूव हुआ CA3 Br और बन गया कुछ इस तरीके ऑक्सीजन, यहाँ पे BBr3 नेगेटिव। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे इसके पास नेगेटिव जाएगा, क्या करेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, वापस से रिमूव होगा इसमें से BBr3 और बनेगा यहाँ पे फिनोक्सिलेन। HBr में से अभी तक यूज क्या हुआ है Br-, अभी H+ तो रिएक्शन मास में होगा ही, तो क्या करेगा जो O नेगेटिव है वो H+ पे अटैक कर देगा और बन गया यहाँ पे हमारा वापस से फिनोल, ठीक है। तो ये था डी प्रोटेक्शन ऑफ फिनोल। अब देखते हैं दूसरा, किसकी मदद से करेंगे हम, TMSX एंड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे है OCA3, हमारे पास है यहाँ पे TMSX, तो जो हमारी ऑक्सीजन की लोन पेयर है वो क्या करेगी TMS पे अटैक करेगी और यहाँ से X को रिमूव कर देंगे, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CA3, इसके साथ अब जुड़ गया यहाँ पे TMS, इसने लोन पेयर डोनेट की, इसलिए अब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पे जो X माइनस रिमूव हुआ वो क्या करेगा, फिर से यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो बनेगा क्या इसमें से, देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे TMS, ठीक है। अगर इसको रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो क्या होगा H2O क्या करेगा, इसकी वैकेंट डी ऑर्बिटल में अटैक कर देगा यानी कि लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ आएगा, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे, यहाँ पे O नेगेटिव, एसिडिक मीडिया होगा, तो क्या होगा इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे अब ऑक्सीजन आ जाएगा और ये हमारा मिल गया वापस से फिनोल, ठीक है। तो ये था प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ फिनोल। तो चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे यहाँ पे OH है, ठीक है। चलो मान लो मुझे सिर्फ जो हमारा ये सेकेंडरी अल्कोहल है उसका ही ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। लेकिन हमें पता है अगर हम एक ही इक्विवेलेंट यूज करेंगे तो पहले लेस टेरिक इंडरसाइड पे ही ऑक्सीडेशन हो या फिर प्रोटेक्शन होगा, वो पहले क्या प्रीफर करेगा, लेस टेरिक इंडरसाइड, ठीक है। तो चलो मान लो मैंने उसका ऑक्सीडेशन कर दिया, सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट यूज किया, तो क्या होगा, जो ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया CHO, लेकिन मुझे प्रोडक्ट चाहिए कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे
सिर्फ इसका ही ऑक्सीडेशन करना है, ए वाला जो अल्कोहल है उसका मुझे ऑक्सीडेशन नहीं करना है, वो मुझे प्रोडक्ट में एट इज मेंटेन चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो पहले तो क्या करेंगे, हमें पता है ऑक्सीडेशन हो या फिर प्रोटेक्शन हो, पहले कहाँ पे होता है, लेस टेरिक इंटरसाइड। तो देखो इसका हमें ऑक्सीडेशन नहीं करवाना, तो इसका हम पहले तो प्रोटेक्शन कर देंगे TPDMS से करते हैं, चलो TPDMS X। तो पहले क्या होगा, इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा, देखो ये OH एटीजमेंट रहेगा, अब यहाँ पे आ जाएगा O TPDMS, ठीक है। अब आप ऑक्सीडेशन करवा लीजिए, तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा O TPDMS। अब मुझे वहाँ पे वापस से अल्कोहल चाहिए, तो क्या करेंगे हम, वापस से डी प्रोटेक्शन किससे करेंगे, HCO+ या फिर एनी सोर्स ऑफ F- TBAF, KF, CGM, फ्लोराइड, HF, ठीक है। तो देखो इस तरीके से यूज होता है प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन का, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे एसिड का प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन के बारे में, तो लिखिए प्रोटेक्शन ऑफ एसिड, फोर्थ नंबर एसिड, एसिड का प्रोटेक्शन किससे होता है, तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, तो याद रखिएगा इसका प्रोटेक्शन होगा आइसोब्यूटीन इसके साथ H+, ठीक है। 2-methylpropene भी कहते हैं इसको, 2-methylpropene या फिर आइसोब्यूटीन कोई भी दिया हो उसके साथ आपको दिया होगा H+, तो इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा, बनेगा कुछ इस तरीके RC OO ऑक्सीजन, यहाँ पे आ जाएगा टर्शियरी बीटा ग्रुप। अब इसका डी प्रोटेक्शन करना है, तो क्या करेंगे हम, वापस से डी प्रोटेक्ट होता है, याद रखना स्ट्रोंग एसिड, स्ट्रोंग एसिड ओनली H+ किससे मिलता है हमें, याद रखेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 इस तरीके से, ठीक है। कोई भी स्ट्रोंग एसिड चाहिए, एनी स्ट्रोंग एसिड, याद रखना वापस से डिप्रोटेक्शन हो जाएगा और मिलेगा हमें RCOOH प्लस वापस से हमें मिल जाएगा आइसोब्यूटीन या फिर 2-methylpropene। तो चलो इसकी प्रोटेक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं, बाद में देखेंगे हम डी प्रोटेक्शन की। तो देखो पहले प्रोटेक्शन की, देखो पहले जो हमारे पास प्रोपीन है उसमें हम क्या ऐड करेंगे, H+। तो देखो पहले तो क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रोडेंसिटी है वो क्या करेगी, H+ पे अटैक करेगी, तो बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे H जुड़ गया और यहाँ पे आ गया अब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब H को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब क्या करेंगे हम, एसिड में डालेंगे, तो देखो अब यहाँ पे RC OH, तो क्या होगा, ये लोन पे यहाँ पे आएगी, ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो वहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे R, यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ 1, 2 और 3, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। अब जैसे इस पर पॉजिटिव आएगा क्या करेगा, H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा -H+, तो ये देखो हमारा प्रोटेक्शन हो गया, RC OO, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया टर्शियरी बीटाइल ग्रुप, ठीक है। ये प्रोटेक्शन के बारे में देखा, अब बात करेंगे हम डी प्रोटेक्शन के बारे में, देखो यहाँ पे RC OO ऑक्सीजन, यहाँ पे टर्शियरी बीटाइल ग्रुप, इसमें क्या डालेंगे, एनी स्ट्रॉन्ग एसिड, सिर्फ H+ ही होगा, ठीक है। कहाँ पे पहले प्रोटेक्शन होगा, तो हमें पता है जो ये वाली लोन पे यहाँ पे आएगी, ये पाई इलेक्ट्रोनिसिटी यहाँ पे अटैक करेगी, तो बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो RCO, यहाँ पे अब ये चाहेगा डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, इसके साथ यहाँ पे क्या होगा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे ही वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या करेगा वो, ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये तो बन गया वापस से एसिड,
आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और प्लस हमें क्या मिला यहाँ पे कुछ इस तरीके से वापस से ही, ठीक है। अब क्या होगा देखो, इसके पास कई सारे अल्फा एच है, तो क्या करेगा कोई भी एक अल्फा एच अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, रिमूव होगा माइनस एच प्लस, ठीक है, और वापस से हमें मिल जाएगा आइसोब्यूटीन। तो ये था प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ एसिड। अब बात करते हैं हम एमाइन के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन। देखो ये बहुत ही आईएमपी है, अमाइन याद रहेगा, अमाइन का प्रोटेक्शन सीबीजेड बोक एंड एफ मोक उससे होता है। तो चलो देखते हैं, पहला लिखिए प्रोटेक्शन बाय सीबीजेड, फर्स्ट सीबीजेड सीएल इसका प्रोटेक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो चलो पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरीके से होता है। देखो यहाँ पे पीएच सीएच टू ऑक्सीजन कार्बोनाइल सीएल, उसका फुल नेम क्या है तो लिखिए कार्बोनाइल बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो हमारा ग्रुप है वो बेंजाइल ग्रुप है, ये जो हमारा ग्रुप है वो कौन सा है कार्बोनाइल, ये वाला ग्रुप है हमारा बेंजाइल। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं सी बेंजाइल को हम क्या लिखते हैं बीजेड, तो सी बीजेड और यहाँ पे सी एल क्या है तो सी एल, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। चलो देखते हैं पहले तो प्रोटेक्शन आर एन एच टू सी बी जेड सी एल, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से एच निकलेगा, यहाँ से सी एल, एच सी रिमूव हो जाएगा, आर बनेगा यहाँ पे आर एन एच सी बी जेड, ठीक है। अब देखो इसका हम करेंगे डी प्रोटेक्शन किस से होगा, देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आया बेंजाइल ग्रुप, तो याद रखना जब भी बेंजाइल ग्रुप होगा तो इसके डी प्रोटेक्शन में यूज कौन होगा H2PDC, कौन यूज होगा H2PDC, और इसके अलावा यहाँ पे एसिटिक एसिड विथ HBr, ये दोनों ही डी प्रोटेक्ट कर देंगे, ठीक है। और वापस से हमें मिल जाएगा RNH2 अमाइन, ठीक है। इसको हम क्यों भाई प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि मान लो अगर हमारे पास रिएक्शन मास में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा, हमें यहाँ पे जो हमारे पास NH2 ग्रुप है उसकी रिएक्शन नहीं करवानी है, इसलिए हम क्या करेंगे उसको पहले प्रोटेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलो मैकेनिज्म देखते हैं दोनों के। देखो यहाँ पे पहले तो उल्टा ही लिख लेते हैं, ठीक है, RNH2 इसके पास यहाँ पे लोन पे तो होगी, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ सी एल ऑक्सीजन सी एच टू पी एच। तो देखो अब क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन की लोन पे इस कार्बोनाइल पे अटैक करेगी, इसका बैक डोनेशन होगा और यहाँ से सी एल को रिमूव कर देगा, रिमूव होगा माइनस सी एल माइनस, बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे आर नाइट्रोजन, यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच, इसके साथ अब जुड़ गया है कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे पीएच, ठीक है। अब लोन पे डोनेट कर दी इसलिए यहाँ पे आएगा पॉइंट चार्ज, जैसे ही पॉइंट चार्ज आ जाएगा क्या करेगा वो एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कोई भी एक एच रिमूव होगा माइनस एच प्लस, देखो बनेगा क्या इसमें से आर एन एच। अब मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ सी बी जेड, ठीक है, आर सी बी जेड, ये हो गया प्रोटेक्शन। अब हम आगे बात करेंगे डी प्रोटेक्शन के बारे में। देखो डी प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन दो तरीके से होगा, इसमें लिखिए पहला बाय H2PDC, ठीक है। तो पहले देखिए यहां पे RNH इसके साथ डायरेक्टली अटैच CO ऑक्सीजन, यहां पे है CH2PH, तो जब भी हम इसमें H2PDC डालते हैं, क्या डालते हैं H2PDC, तो क्या होगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों साइड HH का एडिशन होगा,
तो बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे आर एन एच, यहाँ पे है कार्बोनाइल और यहाँ पे है ऑक्सीजन, तो आप देख सकते हैं आर सी डब्लू एच वो क्या है एसिड, और यहाँ पे है एन एच। एन एच कैसा होता है नेचर में, बेसिक होता है, ठीक है, एसिड है और ये बेस है, तो ये क्या करेगा एसिड है तो एच प्लस रिमूव करेगा, ये बेस है तो एच प्लस एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा ये यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा आर नाइट्रोजन, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, अब आगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बन गया सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। अब क्या होगा देखो यहाँ पे ओ नेगेटिव, यहाँ पे आपको स्टेबल मॉलिक्यूल दिखता होगा, देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ यानी कि सी ओ टू, किस तरीके से होगा देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन खींच लेगा, रिमूव होगा सी ओ टू और ये बन गया हमारा वापस से एन एच टू, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म थी डी प्रोटेक्शन, किससे किया एच टू पी डी सी। अब आगे देखते हैं एच बी आर एसिडिक एसिड के साथ बीजू सेकंड में बाय एच बी आर एसिडिक एसिड, देखो एसिडिक एसिड क्या है एसिडिक मीडिया है, तो पहले तो क्या होगा इसमें से किसी पर भी पोटेंशियल होगा, ठीक है, कहाँ पर होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहीं पे पहले प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है जो कार्बोनाइल होता है, ठीक है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो क्या होगा पहले तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, देखो यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एन एच डबल बॉन्ड एच, अब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सी ए टू पी एच, हमें पता है। अब क्या होगा देखो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया क्या करेगा वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हुआ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, तो यहाँ पे लोन पेयर होगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है, तो बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे आर एन एच, अब यहाँ पे बन गया ओ एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सी एच टू, यहाँ पे पी एच, यहाँ पे आया गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, देखो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज ना, लेकिन हमारे पास क्या है अभी यहाँ पे एच बी आर, तो और जो बी आर माइनस है वो क्या करेगा यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है, रिमूव क्या होगा यहाँ पे पी एच सी एच टू बी आर और वापस से बनेगा यहाँ पे आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, देखो फिर से ये बन गया कार्बामिक एसिड, याद रखना इसे बोलते हैं हम कार्बामिक एसिड। तो देखो फिर से क्या होगा ये एसिड है तो H प्लस रिलीज करेगा, ये बेस है तो H प्लस एब्सट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो AH है कहाँ पे आ जाएगा अब नाइट्रोजन पे, देखो यहाँ पे H H यहाँ पे C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, इसने एक्सेप्ट किया इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव। अब क्या होगा देखो स्टेबल मॉलिक्यूल है CO2 वो तो रिमूव होगा, किस तरीके से देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच लेगा, ठीक है, तो इसमें से रिमूव हुआ CO2 और हमें मिल गया यहाँ पे आर एन एच टू अमाइन, ठीक है। तो अमाइन में अभी तक हमने पहले देखा क्या सी बी जेड, अब हम दूसरे बात करेंगे बोक, लिखिए दूसरा प्रोटेक्शन बाय बोक, बोक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब देखो यहां पे बोक एनहाइड्राइड, पहले तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से था, उसका पूरा नाम क्या है तो लिखिए टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनाइल एनहाइड्राइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर टर्शियरी ब्यूटाइल, बाद में ऑक्सीजन, बाद में कार्बोनाइल और एनहाइड्राइड, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम ग्रुप होते हैं उसे कहते हैं हम एनहाइड्राइड, देखो यहाँ पे एट इट इज, तो ये हमारा बोक एनहाइड्राइड बी ओ सी, शॉर्ट में इसे कहते हैं हम बोक, याद रखेगा एग्जाम में किस तरीके से आपको पूछा जाएगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पे बोक भी लिख सकते हैं, इसके अलावा बोक एनहाइड्राइड भी दे सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा किस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे टू टाइम्स ऑक्सीजन, देखो जो इतना है इसे हम कहते हैं बोक, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है वैसे ही सेम टू सेम इस तरफ भी है, इसलिए आपको एग्जाम में इस तरीके से भी आपको दे सकते हैं, ठीक है।
चलो अब देखते हैं प्रोटेक्शन डीप्रोटेक्शन किस तरीके से होगा। देखो तो पहले यहाँ पे RnH2 इसकी रिएक्शन कराएंगे बोक, इस तरह के लिख सकते हैं, ठीक है, बोक एनहाइड्राइड, या फिर BOC2 टाइम्स ऑक्सीजन, तो होगा कि इसमें से RnH बोक। अब इसका डीप्रोटेक्शन करना है तो सिंपल है, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, क्योंकि ये क्या वो एस्टर है तो हाइड्रोलिसिस तो इजीली हो जाएगा, ठीक है, तो वापस से मिल जाएगा हमें RnH2। तो चलो मैकेनिज्म देखते हैं, पहले देखते हैं प्रोटेक्शन की। देखो यहाँ पे वो कैनहाइड्रेट, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बोनाइल, ऑक्सीजन कार्बोनाइल, यहाँ पे ऑक्सीजन, बाद में ही यहाँ पे टर्शियरी बिटल ग्रुप। तो जो हमारा RnH2 है इसकी लोन पे है, वो क्या करेगी, पहले जो कार्बोनाइल पे अटैक करेगी, इसका बैकग्राउंड करेगी, और ये एनहाइड्रेट वाला ग्रुप है उसको यहाँ से रिमूव कर देगी, ठीक है। तो बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे RnH, यहाँ से भी H+ रिमूव कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है, इसके साथ जुड़ेगा अब C डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन, और यहाँ पे आ जाएगा अब टर्शियरी बीटल ग्रुप, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन हो गया, अब बात करते हैं डी प्रोटेक्शन के बारे में, ठीक है। डी प्रोटेक्शन किस तरीके से होगा, बाय H3O+ यानी कि हाइड्रोलिसिस से। देखो यहाँ पे RnH C डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन, एसिडिक मीडिया है तो पहले हमें पता ही क्या होगा, प्रोटोनेशन तो होगा ही, कार्बोनाइल पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, बनेगा कुछ इस तरीके से RnH C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे आ गया पॉलीराज, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉलीराज आ जाएगा वो क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये फिर ये लोन पेयर यहाँ पे आएगी, डायरेक्ट स्टेप लिख दिया, ठीक है। देखो बनेगा कुछ इस तरीके RnH, अब यहाँ पे बन गया OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इसके साथ है यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। अब जैसे ही फिर से उस पर पॉइटिज आ जाएगा क्या करेगा वो, ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है उससे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे RnH, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी डबल बॉन्ड OH, तो देखो फिर से कार्बन में कैसे बन गया, तो पता क्या होगा, ये वाला H यहाँ पे आ जाएगा, बनेगा R, यहाँ पे H, यहाँ पे H, अब आ गया पॉजिटिव चार्ज, सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव, अब क्या होगा, यहाँ पे जो स्टेबल मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये नाइट्रोजन रिमूव होगा यहाँ पे CO2, और प्रोडक्ट मिल गया हमें RnH2। तो देखो ये था डी प्रोटेक्शन, पहले देखा हमने प्रोटेक्शन, बाद में देख लिया हमने डी प्रोटेक्शन, अब देखिए तीसरा बाकी है वो देखते हैं F mock। लिखिए तीसरा FmocCl, पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये इसका स्ट्रक्चर, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक बेंजीन रिंग, इसके साथ यहाँ पे मिथाइल ऑक्सीजन कार्बोनाइल एंड Cl, जो इतना पार्ट है इसके हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, F यानी कि फ्लोरिनाइल। देखो यहाँ पे फ्लोरिनाइल, ये रहा हमारा मिथाइल, ये रहा ऑक्सीजन, मिथाइल ऑक्सी, ये रहा हमारा कार्बोनाइल, और ये रहा हमारा क्लोराइड, ठीक है। तो क्या हुआ, फ्लोरिनाइल मिथाइल ऑक्सी कार्बोनाइल क्लोराइड, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है FmocCl, FmocCl, यहाँ पे Cl होगा तो Cl, कोई भी हैलोजन भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था प्रोटेक्शन का, FmocCl उसका फुल नेम है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन, RnH2 इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम
एफ मॉक सी एल के साथ होगा क्या, यहाँ से एच और यहाँ से सी एल, यानी कि आर एन एच एफ मॉक, ठीक है। अब इसका रिप्रोडक्शन किससे होगा, तो याद रहेगा सिंपल सिंपल बेस यानी कि वीक बेस से होगा। वीक बेस, ठीक है। तो देखो वीक बेस में कौन कौन आता है, तो सेकेंडरी अमाइन, ऐसे सेकेंडरी अमाइन में पाइरोलिडिन, पाइपिरिडिन, ऐसे बेस, ठीक है। ये हो जाएगा उससे रिप्रोडक्शन और वापस हमें मिल जाएगा हमें आर एन एच टू अमाइन। तो चलो हम देखते हैं मैकेनिज्म किस तरीके से प्रोटेक्शन होगा, किस तरीके से रिप्रोटेक्शन। देखो यहाँ पे पहले तो फ्लुइनाइल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा हमें, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बोनाइल, यहाँ पे सी एल आर एन एच टू। तो हमें पता है जो यहाँ पे लोन पेयर है वो क्या करेगी, यहाँ पे अटैक करेगी इसका बैकग्राउंड और यहाँ से इसको लीव कर देंगे, ठीक है। तो बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे एफ फ्लोरिनाइल, यहाँ पे देखो इसके साथ यहाँ पे मिथाइल ऑक्सीजन कार्बोनाइल, अब यहाँ पे आ गया एन एच आर, ठीक है। यहाँ से सी एल और यहाँ से एच, दोनों मैंने साथ में रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन, इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं आर एन एच एफ मॉक, ठीक है। ये था प्रोटेक्शन। अब बात करेंगे हम डी प्रोटेक्शन के बारे में। देखो पहले ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर वापस से, ऑक्सीजन कार्बोनाइल, यहाँ पे एन एच आर, इसमें हम डालेंगे सेकेंडरी अमाइन बेस। तो बेस का काम क्या होता है, एसिडिक प्रोटोन एक्सेप्ट करना ना। आपको दिख रहा है एसिडिक प्रोटोन कहाँ है, सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रोटोन, तो आप देख सकते हैं ए वाला जो एच है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, क्यों भाई। तो देखो जैसे ही यहाँ से प्रोटोन एक्सेप्ट होगा यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो ए वाली रिंग है वो एरोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। और याद रखेगा जो ये मैकेनिज्म फॉलो करती है उसे हम कहते हैं ईवन सी बी मैकेनिज्म। तो याद रखेगा जो एफ मोक है वो डी प्रोटेक्ट होता है किस मैकेनिज्म से होता है, ईवन सी बी मैकेनिज्म से, ठीक है। तो पहले तो क्या होगा, ए वाला प्रोटोन एक्सेप्ट हो जाएगा, देखो अब आगे यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ एन एच आर। अब क्या होगा देखो, अब ईवन सी बी मैकेनिज्म होगी किस तरीके से, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ये रहा हमारा लिविंग ग्रुप, तो इस तरीके से देखो इसे कहते हैं हम ईवन सी बी मैकेनिज्म, ईवन सी बी इस तरीके से लिखा होगा, या फिर इसको इस तरीके से भी लिखते हैं ईवन सी बी डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या होगा, एफ फ्लोरिनाइल है और रिमूव हो जाएगा प्लस सी ओ टू, देखो ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे जनरेट हो रहा है CO2, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लस आर एन एच माइनस, हमें पता क्या होगा लास्ट स्टेप में S प्लस ले देंगे तो क्या बन जाएगा आर एन एच टू, ठीक है। तो ये था प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन, किससे किया सीबीजेड एफ मॉक वॉक, इन तीन से किया, ठीक है। तो पहला देखा हमने सीबीजेड, उसका प्रोटेक्शन, उसका डी प्रोटेक्शन किस तरीके से होता है, तो याद कीजिए उसमें बेंजाइल ग्रुप आता है यानी कि एच टू पी डी सी, इसके अलावा एच बी आर एसिडिक एसिड यूज किया था हमने, उससे डी प्रोटेक्ट होता है। इसके बाद देखा हमने वॉक एंड हाइड्राइड, तो उसका प्रोटेक्शन तो देख लिया, डी प्रोटेक्शन किससे होता है H3O प्लस यानी कि सिंपल हाइड्रोलिसिस। इसके बाद हमने देखा एफ मॉक, उसका डी प्रोटेक्शन होता है सेकेंडरी अमाइन यानी कि वीक बेस से। और याद रखेगा जो ये डी प्रोटेक्शन वाली मैकेनिज्म है कौन सी फॉलो करती है, ईवन सी बी मैकेनिज्म, ठीक है। तो चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
ये रहे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, तो देखो पहले से यहाँ पे जो NH है उसका बोक के साथ प्रोटेक्शन हो चुका है, यहाँ पे जो अल्कोहल था उसका TBDMA से प्रोटेक्शन किया है, यहाँ पे OAC यानी कोई भी एसिटाइल ग्रुप एस्ट्रिफिकेशन करवा दिया, ठीक है, इसका प्रोटेक्शन किया है। तब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट किस तरीके से नाइट्रोजन का प्रोटेक्शन 80 डिग्री मेंटेन रहा है, जो ये अल्कोहल है उसका प्रोटेक्शन भी 80 डिग्री मेंटेन रहा है, लेकिन TBDMA वाला, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे एस्टर ग्रुप है वही सिर्फ डी प्रोटेक्ट हुआ है, यानी कि जो यहाँ पे ओए था वापस से ओए, तो हमें देखना होगा इसका ही सिर्फ डी प्रोटेक्शन किस रिएजेंट से होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले एसिडिक मीडिया यूज किया हुआ, कौन सा एसिडिक मीडिया, हमें पता है जो हम एसिडिक मीडिया यूज करेंगे तो बोक का भी डी प्रोटेक्शन हो जाएगा, TBDMA का भी डी प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ पे एसिडिक मीडिया होगा तो ये तीनों का डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जहाँ जहाँ एसिडिक कंडीशन होगी वो तो ऑप्शन आएगी नहीं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहला देखें यहाँ पे HCl और इथेनॉल यानी कि एसिडिक मीडियम, इसका हाइड्रोलिसिस, यानी कि ये तो गलत हो गया। अगर हम यहाँ पे एसिडिक मीडिया यूज करेंगे तो इसका डी प्रोटेक्शन हो जाएगा, इसका और इसका, तीनों का डी प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं TBAF, ये क्या है TBAF है, हमें पता है जो TBAF है वो सिर्फ TBDMA का ही डी प्रोटेक्शन करता है, लेकिन हमें तो उसका प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन नहीं करवाना है, प्रोडक्ट में एडिटिव मेंटेन रहा है, ठीक है, इसलिए ये भी आंसर नहीं आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड मीडिया है CF3CWH, यानी कि ये भी एसिडिक मीडिया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर हम एसिडिक मीडिया यूज करेंगे तो तीनों का डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो इसमें देखो यहाँ पे जो एस्टर है ये बेसिक मीडिया में उसका हाइड्रोलिसिस किया है, हमें पता है जो एस्टर होता है उसका हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडिया एज वेल एज बेसिक मीडिया दोनों में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, बेसिक मीडिया वाला सेकंड ऑप्शन, बेसिक मीडिया में ये भी डी प्रोटेक्ट नहीं होता, ये भी नहीं होता, जो ये एस्टर है वो डी प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखो थोड़ी देर पहले ही देखा था हमने क्या है, देखो पहले एफ मुख से प्रोटेक्शन करवाया है, वापस से डी प्रोटेक्शन करवाया, ठीक है। अब आपको कहना ये है कि जो डी प्रोटेक्शन हुआ है वो किस मैकेनिज्म थ्रू हुआ है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपके सामने, यहाँ पे है ऑप्शन आपके सामने है, पहले देखो यहाँ पे इवन एलिमिनेशन, साइन एलिमिनेशन, हमें पता है इवन एलिमिनेशन होता है या फिर साइन एलिमिनेशन, ई टू एलिमिनेशन, वो सब में क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें भी क्या होता है सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट, लेकिन आपने देखा यहाँ पे तो प्योर इंटरमीडिएट चैनल हो रहा है, कौन सा कार्ब एनायन, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। इवन एलिमिनेशन, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में पता है इंटरमीडिएट जनरेट होता है, लेकिन वो कार्ब केटायन यानी कार्ब एनायन जनरेट नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो राइट आंसर कौन सा है, इवन सी भी, ठीक है। तो दोस्तों ये था प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन, थैंक यू।